अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे आप प्रणिपात परिपेशनों का जो रास्ता है वो क्यों छोड़ दिया। प्रणिपात परिपेशनों का जो रास्ता है वो आप क्यों छोड़ दिया, क्यों तर्क का रास्ता अपनाया, वाई किस लिए? तर्क का रास्ता में चलना क्यों शुरू कर दिया? प्रणिपात प्रश्नों का रास्ता आपने छोड़ दिया और इसी को कर्म मार्ग बोला जाता है। आप कर्म का मार्ग में चलना शुरू कर दिया, ऐसा अगर जिंदगी भर आपका चले जाए, जिंदगी भर ऐसा अवस्था में रह जाओगे तो कभी भी आपको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। प्रणिपात परिपोषण का रास्ता है वास्तव रास्ता। प्रणिपात परिपोषण का रास्ता में चले तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए और तत्व ज्ञान जरूर लाभ हो जाए। जहां प्रणिपात है, प्रणिपात परिपोषण है और सेवा है, तीनों के द्वारा ही अप्राकृत जगत के गंभीर विषय तत्व वस्तु का विषय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बोला ठाकुर जी, गीता में हम कई दिन पहले चर्चा कर चुके, तद्विद्धि पुनिपातेन परिपेशन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। आज हमारा चर्चा का विषय है श्रील परीक्षित महाराज जी महाभागवत वैष्णव और महाभागवत। कोई डाउट नहीं, भागवत में चार पांच जगह बार बार लिखा गया एषो महाभागवतः, ये महाभागवत है। महाभागवत का जिंदगी में कोई गलती होना संभव नहीं। महाभागवत का कई लक्षण दिया हुआ है भागवत में, शास्त्रों में, भागवत में और दूसरा शास्त्रों में बहुत सारे। महाभागवत का लक्षण कैसा है, कैसा चाल बोल है, महाभागवत का चाल बोल कैसा है, कैसे आचरण करते हैं सारे, तो परीक्षित महाराज का कोई गलती हो ही नहीं सकता। लेकिन अभूतपूर्व जो होना संभव नहीं, कभी हुआ भी नहीं ऐसा हुआ, वो सब विषय चर्चा कर चुके सुबह के टाइम में। अभी सांप लगा परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जी को सांप लगा और परीक्षित महाराज जी बड़ा आनंद भय। परीक्षित महाराज जी आनंद से उछल पड़े, बोला अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ठाकुर जी की इच्छा से ये तक्षक दंशन करने वाला जो सांप मेरा सामने आए हुए हैं, इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर मी, हमारा लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट। क्योंकि परीक्षित महाराज का उम्र तो ज्यादा नहीं थे, ज्यादा उम्र नहीं थे, और इसी उम्र पे पूरा तमाम राज्य राजधानी, कितना सारे संबंधी, सगे संबंधी, अपना पत्नी, अपना पुत्र, राज्य राजधानी, इतना पोजीशन, इतना रैंक, सारे के सारे शास्त्रों में लिखा है भागवत में मौलवत, मौल मौल जानते हो, मौल
टट्टी पेशा जुबोईशत जुबो अवस्था में जैसे आदमी शौचकर्म में जाता है, करने के बाद देखता भी नहीं, शौचकर्म करने आता आ जाता, ऐसा लिखा हुआ है मौलवत। कोई मर्सिलेस, कोई दया नहीं है, माया नहीं है उसमें। सारे छोड़कर अब अपना 7 दिन शेष रह गया जिंदगी का, इसी 7 दिन का अंदर हमारा चरम मंगल का व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा जितना आदमी इधर जगत में है, जितना आदमी है, जितना सारे प्राणी, सबका मंगल, चरम मंगल का व्यवस्था होनी चाहिए उचित। और परीक्षित महाराज जी सारे छोड़कर सुखचाल सुखताल क्षेत्र जो है गंगा जी का तट पर, सुखताल क्षेत्र है उत्तर दिशा में, आसन लगाकर चुपचाप बैठ गया शांति से, और कोई कुछ नहीं। और वहां जितना सारी ऋषि मुनियों का झुंडू है, जितना सारे पूरा फुल ट्रूप्स, जितना ऋषि मुनि हैं, सारे के सारे भगवत प्रेरणा के द्वारा ठाकुर जी सा कृपा से वही जगह उपस्थित हुए हैं सारे, जितना सारे मुनि ऋषि। ये मुनि ऋषि जो है, मुनि ऋषियों का जो विचरण है, इसका पीछे भी बड़ा भारी रहस्य है। ठाकुर जी का प्रेरणा के अनुसार ये लोगों का चलना बोलना सब कुछ, चलना बोलना सब कुछ। अब अभी सुखताल क्षेत्रों में पहुंच गया और परीक्षित महाराज को सांप लगा, सब जानते हैं। और ऋषियों सब विचार करके बैठे हुए हैं आपस में कि ये महाभागवत पांच पांडव वंशों का जो वंशधर है, पांडवों का वंशधर जो है, ये जो परीक्षित महाराज, जब तक इसका शरीर न छूटे, जब तक इसका शरीर न छूट जाए, तब तक हम लोग सभी इधर ही रहेंगे, यह विचार बना के बैठे हुए। क्यों, क्या काम है तुम्हारा, तुम लोगों का? भले ये लोग निश्चित जान के बैठे हुए, मन के बैठे हुए हैं, जे पूरा ये खानदान पे कृष्ण का पूर्ण कृपा है। पांच पांडवों का जो खानदान है, ये खानदान का ऊपर पूरा कृष्ण का कृपा है, पूर्ण कृपा। अब परीक्षित महाराज का जो अंतिम समय है, इसी समय में जरूर कुछ ऐसा कुछ चर्चा होगा, ऐसा कुछ व्यवस्था होगा, कथा कीर्तन जरूर होगा, जिससे हम लोग सब हिस्सा लेंगे, बैठ के आनंद लेंगे कथा कीर्तन। और महाराज जी सच्चा निकला। पहले तो परीक्षित महाराज सारे ऋषि मुनियों को पूछा क्या करना चाहिए, हमारा तो समय हो गया अंतिम समय। और एक एक मुनि ऋषि अपना अपना जो भजन का मार्ग जो है उसी का ऊपर आधारित थोड़ा थोड़ा करके प्रवचन देना शुरू कर दिया। और महाराज इसने में ठाकुर जी का कृपा से परमहंस कुलचूड़ामणि परमहंस श्रेष्ठ श्रील सुखदेव गोस्वामी जी, जिसको भागवत महिमा में बोला नंदनंदन कृष्ण सु स्वयं सुख नंदनंदन कृष्ण भगवान जो है, ये निश्चय करके रखना वही सुखदेव गोस्वामी का रूप में आए। ठाकुर जी का माफिक देखने में बहुत सुंदर। और सुखदेव गोस्वामी जब आ गए, जितना सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, सारे सारे उठ के खड़ा हो गए, ऐसा हाथ जोड़ करके, महाराज 16 साल का सुखदेव गोस्वामी का इतना प्रभाव है, बोले सारे खड़ा हो गया और सम्मान दिया
भले इसका कारण हमने लिखे हैं भागवत में, हम चर्चा कर चुके हैं। ये लोग परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी का प्रभाव को जानते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कौन है सब जानकारी है, बाबा पर बाबा वशिष्ठ भरतराज गौतमी जितना सारे है सारे सब खड़ा होके, यहां तक कि बैजदेव गोस्वामी जी वो भी खड़ा होके। एक चर्चा में आता है अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति वैश्व व्यक्ति नो व्यक्ति वा इत्यादि श्लोक लेके बहुत लड़ाई हुआ। हमारा सामने भी प्रश्न किया महाराज इसका समाधान करो, शंकर भगवान कह रहे अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति वैश्व व्यक्ति न व्यक्ति वा। ये भागवत धर्म का बारे में द्वादश महाजनों का नाम आता है, द्वादश महाजनों का नाम आता है सारे के सारे ये भागवत तत्व विज्ञान को पूरी तरह जानते हैं, पूरी तरह इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये बारह महाजन का वास्तव अनुगत्य में जो लोग अवस्थित है, ये लोगों का हृदय में भी भागवत धर्मों का जो तत्व विज्ञान जो है स्वरूप जो है स्वतः प्रकटित हो गया था। ऐसा नहीं सोचो कि बारह महाजन है हमारा सब महाजनों सब एक, ऐसा नहीं। द्वादश जो महाजन का नाम आता है, द्वादश महाजन का अनुगत्य में जिन सारे महाजन लोग है सारे भगवत तत्व विज्ञान के बारे में कोई जानकारी है। लेकिन ये जो बात शंकर जी ने बताया अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति वैश्व व्यक्ति न व्यक्ति वा, ये जो श्लोक है बड़ा हैरान की श्लोक, बड़ा आश्चर्य की श्लोक है। क्यों ऐसा लिखा? स्वयं वैष्णदेव जी भगवान शक्तावेश अवतार भगवान का, वैष्णदेव जी को आश्रय करके ही श्रीमद भागवत जी महापुराण का प्राकट्य हुआ ना, यही तो वैष्णदेव जी महाराज। अब इसका बारे में ऐसा बोलना तो उचित नहीं, वेरी ऑफेंसिव। क्यों बोला ये विचार आता है। इसमें टीकाकारों ने तो सुंदर चर्चा की इसका ऊपर। बात यह है कि जो पाचक है जो रोसी करता है जो आदमी, उसको अगर पूछो आपका रोसी कैसा हुआ है, वो बोल नहीं पाता, वो स्वयं पचन किया है रोसी। और जो लोग आस्वादन किया वो बोलते हैं ऐसा टेस्टफुल है। तो वैष्णदेव जी को अपमान नहीं है इसमें, इसमें ये सोच के रखना वैष्णदेव जी स्वयं जो है भागवत जी महापुराण को उपस्थापन किए ठाकुर जी की इच्छा, तो ऐसा चिंता करे कि वैष्णदेव जी स्वयं पाचक है, रसोई किया भागवत जी महापुराण का, वो जो उपस्थापना किया उसका जो आस्वादन है ये तो सुखदेव गोस्वामी जैसा महाभक्त, सुखदेव गोस्वामी जी शंकर भगवान, ऐसा चिंता करने से कोई अपराध नहीं होता। बैस जान भी सकता है नहीं भी जान सकता है, कोई निश्चय नहीं। और ऐसा विचार है। और ये सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं उपस्थित हुआ है कहां? सुखताल क्षेत्रों, जहां कहां, जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, पवेशन बिना भोजन बिना पानी बैठ गए ठाकुर जी अंतिम समय हमारा ठाकुर जी का कृपा लेने के लिए बैठ गए। उसी समय पे देखे जे सुखदेव गोस्वामी आए हुए और सब आनंद है। सुखदेव गोस्वामी का रूप का चर्चा थोड़ा किया था, देखने में कैसा, ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है। उस श्लोक को फिर दोबारा हम दोहराएंगे, उसका बाद जो श्लोक देके हम शुरुआत किए उसका चर्चा करेंगे। तत्र अवद भगवान वैश्वपुत्रो
जद्रीच्छया गाम अटमनो अनपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो ब्रीतोश्च बालैरवधूत वेशः त्वां दाष्ट वर्षं सुकुमार पादो करोरु बहवां सुकपोलगात्रं चार्वायतायक्षोन्नशतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बसुजात कन्धं निगूढजुक्तं पृथुतुण्डवक्षसम् आवर्त नाभिं बलिगल्वुदरञ्च दिगंबरं वक्रपकीर्णकेशं प्रडम्बबाहुं समरतमाभं श्यामं सदा पिब्बवयोऽङ्गलक्षा स्त्रीनां मनोगुरुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयो शासनेभ्यो स्थल्लक्षणाज्ञा उपी गुरवर्चसम् प्रत्युत्थितास्ते मुनयो शासनेभ्यो स्थल्लक्षणाज्ञा उपी गुरवर्चसम् यद्यपि ये सुखदेव गोस्वामी एकदम गुप्त रूप में है, देख के किसी को पता नहीं चलेगा ये कितना बड़ा महा साधु है, पता नहीं चलेगा, ये छुपे हुए हैं गुप्त, सारा शरीर मलिन है, पकीर्ण केश और कोई कपड़ा तो है नहीं। दिगंबर शब्दों का व्याख्या करो तो दिग युक्त अंबर अर्थात दस दिख जिसका अंबर है, अंबर कापड़। दिगंबर नाम क्या है? दिगंबर शब्दों का व्याख्या ये है, दस दिख जिसका कापर है। समझ में नहीं आया? एक बात को हम उदाहरण दे दें, जैसे देवी मैया को, काली देवी मैया को बड़ा सा पखंडी लोग बोलते हैं, नंगा मैया का पूजा करता है, ये लोग बेकार गाली देता है। इसका उत्तर देना पड़ा हमको, बोले मैया नंगा नहीं है, मैया नंगा है, काली मैया सब बोलता है नंगा है, भले दिगंबर है, दस दिख जिसका अंबर है, कपड़ा है, उसका नाम है दिगंबर। दिगंबर है ना? अब विचार आता है, आप कपड़ा पहने हुए हो, कपड़ा पहने हो ना, अगर कोई चेटी आपका कपड़ा का अंदर है, वो चेटी देखेगा आप नेकेट हो, देखेगा? विचार ठीक से ध्यान से सुनो, अगर हम कपड़ा पहना हुआ है लेकिन अंदर में कोई कीड़े है मकोड़े कुछ भी है चेटी है वो देखेगा हम नंगा है, लेकिन वास्तव में तो हम तो नंगा नहीं है, कपड़ा पहना हुआ है। इसीलिए देवी मैया प्रकृति देवी का अंदर सब कोई है, इसीलिए मंगा को नंगा दिखती है, समझा मेरा बात? मैया नंगा नहीं है, दस दिख अंबर सारे प्रकृति का स्वरूप जो वो देवी मैया है, ये बात है। परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी का बारे में बताया गया, जो सर्वभूत में अनुप्रविष्ट होके बैठा हुआ है ना, बताया था, यं रवजन्न मनोपेतमपेत कृत्यम दैपायन विरह कातरवाजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदुं तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तस्मि सर्वभूत हृदयम्। सर्वभूत ग्रांत हृदय में प्रविष्ट हो गया, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचति न कंखति, यही अवस्था है, ये अवस्था। सुंदर रूप की वर्णन, कोई अगर सुखदेव गोस्वामी को देखे और नजर हटाना मुश्किल है, देखते रह जाओगे, कितना सुंदर है रूप। और वरन भी श्यामम सदा पिब्बवय अंग लक्षा स्त्रीनम मनोगुरुचिरम सीनम मनोगुरुचिरस्मितेन, स्त्री लोगों का ऐसा रूप देखना ही बड़ा सौभाग्य की बात, इतना सुंदर।
और इसी अवस्था में परीक्षित महाराज देखे कि परमहंस गुरु जो है श्रेष्ठ आ पहुंचा, इनके चरण में अपना मस्तक को रखा, पैर धुलाया, मस्तक रखा और रखे वो जो क्वेश्चन, वो जो प्रश्न देके हमने शुरू किया था कथा। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु, अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु, पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। मरणशील आदमी को क्या करना चाहिए? मरणशील आदमी, मरने वाला आदमी को क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ साधन आप बताइए जिसमें परम मंगल हो जाए। अथो पिछा में संस, ये जो क्वेश्चन है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। जो परीक्षित महाराज ने ये क्वेश्चन को रखा है, लेकिन टीकाकारों ने बताया ये एक सार्वजनिक क्वेश्चन, सार्वजनिक नहीं इंटरनेशनल क्वेश्चन। अथो परीक्षा में संसिद्धि, सिद्धि नहीं, ऐसा कोई साधन द्वारा बताओ हमारा सिद्धि हो जाए, नहीं, संसिद्धि सम्यक रूप सिद्धि हो जाए, जिस सिद्धि का बाद कुछ शेष ना रह जाए, ऐसा कुछ सिद्धि का रास्ता बताओ जिसके बाद हमारा दिल में कुछ शेष वासनाएं नहीं रह जाए, कुछ नहीं, सारे फुल्ली सेटिस्फैक्शन। आदमी जो भजन करते करते टोटली सेचुरेटेड हो जाता है, टोटली दुनिया का किसी वस्तु से लेना देना नहीं कुछ। काल भी बताया था मजादार सब कहानी, सुंदर कितना प्रेम है बोलो आपस में, तुम हमारा हो हम तुम्हारा है। बूढ़ी और बूढ़ा का कहानी बताया, बूढ़ी दोनों में ट्रेन में चढ़े, अब जब मर गया तब बूढ़ी क्या बोली, बोले घर में ले चलो कम से कम उसको पूजा करे माला फला चढ़ा, नहीं जाम फैलेगा घर में जाओ तो जाम फैलेगा। तो हम बोलते हैं कि जाम तो फैलेगा उधर नहीं, जाम तो ऑलरेडी फैला हुआ है तुम्हारा दिल में, तुम्हारा जो मन है विषाक्त तो सेप्टिक माइंड है, तुम्हारा हृदय में जाम ऑलरेडी फैला हुआ है, जाम क्या फैलेगा, फ्लैट में कुछ नहीं फैलेगा, बेकार की बात है, पूरा जाम चारों, ऐसा बुद्धि है। ये जगत का जो संबंध है सब, ये जगत का आदमी जितना है सब सारे स्वार्थी है, सारे स्वार्थी हैं, सो अपना इंटरेस्ट को पूरा कर ले, बाकी लात लगा दी जा, हो गया। इसी को तुम प्यार मानते हो, मूर्ख का माफिक, सारे दुनिया मूर्ख है। किसको प्यार बोला जाता है, किसको शुद्ध प्रेम बोला जाता है, कोई जानकारी नहीं है। हम पंचोध्याय का चर्चा करना शुरू कर दे दसम स्कंद में, तो हम साबित कर देंगे, प्रमाण कर देंगे, दुनिया में जिस प्रेम सगाई को आप ऊंचा मन के चले आज तक, सारे बेकार है। ऊंचा मन के चले जैसे नल और दैमंती, इसका प्रेम महाभारत में आता है, जिम और डेला आपस में प्रेम है, लैला मजनू ये सब प्रेम, हम दसम स्कंद आए तो चर्चा करके दिखाएंगे। से इसको जगत का आदमी हाईएस्ट स्टैंडर्ड मान के चले। आमा शास्त्र विचार में देखा गया, दे ऑल डार्टी डार्टी, सब कुत्सित है, कुछ नहीं है रखा, देखने में लगता है बहुत एक्सेलेंट, लेकिन विचार करो तो ये जगत में शुद्ध प्रेम जो है, प्यार है, क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। दुनिया में वास्तव प्रीति प्रेम कैसे हो सकता, एकमात्र शुद्ध भक्तों के बिना। किसी को विश्वास करो तो हर हालत में तुम्हारा धोखा ही धोखा मिलना है, शास्त्रों में लिखा है, काल हम सुबह में चर्चा करें। शुद्ध भक्तों को छोड़कर किसी को विश्वास करो बस धोखा मिलना ही है, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्वेश्चन, आंतर्जातिक प्रश्न है। बल्कि किस लिए आंतर्जातिक प्रश्न,
बोले आंतर्जातिक प्रश्न इसलिए बताया गया, वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम होल वर्ल्ड, पूरा जगत से यही क्वेश्चन संत लोग मांगता है। साधु संत बोलता है इस दुनिया का आदमी क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो उसका कोई सेल्फ कॉन्सियसनेस का कोई डिग्री खोला ही नहीं अभी तक। क्वेश्चन आए आत्म तत्व विज्ञान जानने के लिए इच्छा हुए तो इट्स ए गुड सिस्टम सिंटम। भागवत में इसको बताया जीवोसो आत्म जिज्ञासा, जीवोसो तत्व जिज्ञासा, और जिसको वेदांतों में बोला है ना अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांतों में अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, और भागवत में बताया था अथो तो तत्व जिज्ञासा, जीवोसो तत्व जिज्ञासा, ये एक ही चीज है। और यहां परीक्षित महाराज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक ही है जो सनातन गोस्वामी किए महाप्रभु के सन में, मैं कौन हूं के आमी कहने मोरे जारे तपोत्तोय यहां नहीं जानी कोई छे मोर हित होय, यही तो है ना आत्म तत्व का आत्म तत्व जिज्ञासा तो यही है, मैं कौन हूं कहां से आया हूं कहां जाए क्या करे हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, ये जो सारे क्वेश्चन का तो क्वेश्चन का जो उत्तर निकले इसी को तत्व विज्ञान बोला जाता है, इसी का उत्तर आए। तो सुखदेव गोस्वामी के सामने जी के सामने पहला क्वेश्चन है परीक्षित महाराज जी का, अथो अतो अतो कब बोला जाता है, कभी भी कोई सेंटेंस अगर लिखे बट एंड ऐसा बोल के शुरू होता है कभी, कभी होता नहीं, फेज एंड क्लोज है ना, जरूर कोई बाट दे के शुरू होगा इसके उसके पहले कुछ है नहीं तो बाट आ ही नहीं सकता, किंतु किंतु देखे सब तो शुरू होता है। यहां भी अतः इसका माने क्या है, अथ जो अव्यय है अव्यय के यूज हुआ है अतः, अरे महाराज कोई बात नहीं बीच में अतः देखे सब तो अतः पृछा में अतः पूछ रहा हूं, मतलब इसका माने क्या है, तत्वविद लोग इसका व्याख्या किया ये जगत क्या क्षणभंगुर अवस्था अनस्टेबिलिटी, ये जगत का जो क्षणभंगुर अवस्था अनस्टेबिलिटी एनी टाइम हम मर जाए हमारा भाई मर जाए दादा मर जाए कुछ भी मर जाए, ये जो अनस्टेबल अवस्था ये जगत का क्षणभंगुर अवस्था को देखकर, ये जगत का जो क्षणभंगुर अवस्था को देखने के बाद तुम्हारा अकेला आया क्या, अकेला आया, अगर अकेला आया तो ये जो क्वेश्चन है ठीक है, तो इसको देखते हुए फिर उसका बाद ये क्वेश्चन गोकर्ण जी महाराज पिताजी को यही बात बताया ना, पश्या निसम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, क्या बताया था गोकर्ण जी महाराज पिताजी को, यही तो बताया था उपदेश, पश्या निसम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, पिताजी ये जगत रहने वाला नहीं है वो जाएगा, वो कुछ नहीं रहे दुनिया में, किसी का ऊपर भरोसा मत करो, रोते रोते पागल हो जाओगे, पहले से ही विचार कर लो विषय को छोड़ो, पकड़ना है तो एकदम ठाकुर जी को पकड़ो, ये हम सुबह में ही बताया था ना, एक लोहे का टुकड़े को जब तक आंख में फेंक के रखोगे जलता हुआ धधकता हुआ जो आंख है उसमें जलते समय लोहे का टुकड़ा काला है लेकिन इसका कालापन चले जाए, लेकिन जब आंख से फिर उठाओगे फिर काला हो जाएगा। अब इसीलिए तुलसीदास जी ने बार बार बताया सदगुरु मिले भेद बतावे गान गान ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश, तुलसीदास जी बताया ना, बोले कैसा बताया, बोले देखो सदगुरु मिले, सदगुरु तो मिलता नहीं, बड़ा तमाम दुनिया को छानबीन करो, एक दो
ऐसा गुरु दो चार मिल सकता पूरा दुनिया में। सदगुरु रेयर है, सदगुरु ऑलमोस्ट रेयर है, इतना रेयर है तो पूरा पृथ्वी को छानबीन करने से कोई कोई परसेंटेज तो दूर की बात है, काउंट में भी आएगा ऐसा एक दो तीन चार आदमी पूरा तमाम पृथ्वी कितना। और उसमें अगर कोई तत्व ज्ञानी पुरुष महापुरुष मिल जाए तो सोचो कितना सौभाग्य की बात है। सत्संगो प्राप्ति पुंगी बहुवीर सुकृति पूर्व संचित है ना, सत्संग ऐसा नहीं मिलता, बड़ा कौ सौभाग्य जन्म जन्म की सौभाग्य, फिर आज ये सौभाग्य का फल मिल रहा है। इस फल के कारण आज हमारे सामने महातत्व ज्ञानी महापुरुष संत महात्मा का दर्शन होता है, कुछ बातें सुनने को मिलता है। और तुलसीदास जी ने बताए सदगुरु मिले भेद बतावे, और भेद सुनने के साथ सब लोग कैसा बात है, संत महात्मा का अंदर तो भेदभाव नहीं रहना चाहिए, मूर्ख आदमी तुरंत एकदम तर्क शुरू कर देता, सदगुरु मिले भेद बतावे, भेद मतलब भेद भेदभाव तो नहीं है साधु का अंदर, अरे ऐसा भेद नहीं है मूर्ख, भेद का मतलब ये तद वस्तु है ये अतद वस्तु है, समझा नहीं कोई, तद वस्तु क्या है ये इदम ये जगत का वस्तु है, और ये वस्तु का चिंता कर तो अपरागित जगत का वस्तु, समझा नहीं मेरा बात, तद वस्तु और अतद वस्तु, ये वस्तु जो तू जो चिंता में लगे हुए हैं ये तद ये इस जगत का वस्तु, अतद वस्तु अतद वस्तु, तद वस्तु अच्छे वो तद वस्तु अच्छे से तत् मतलब सत से भगवत वस्तु, और अतद वस्तु माने ये अतत् नेति 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 करके जो वेदांती लोग चर्चा करते हैं, अतत् मतलब ये सद वस्तु नहीं नित्य नित्य रहने वाला नहीं, अतद वस्तु तद वस्तु मतलब सद वस्तु नित्य वस्तु। तो इस बारे में अगर गुरु वैष्णव ना समझाए तो बद्धजीव कैसे समझेगा, गुरु वैष्णव का सामने रहने का मतलब ही तो ये है, इसमें तेरा बंधन हो जाएगा इसमें तेरा मुक्ति हो जाएगा, यही तो बताएगा गुरु, गुरु जी क्या करे, गुरु जी तो यही बताए बार बेटा ऐसा मत कर इसमें बंधन हो जाएगा तेरा और इसमें मुक्ति हो जाएगा ऐसा कर। सदगुरु मेले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश, ज्ञान जब ज्ञान का उपदेश करे, और ज्ञान का उपदेश करने का टाइम में तत्व ज्ञानी जब प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ये तत्व ज्ञान ये महापुरुष से तत्व ज्ञानी पुरुष से हमारा हृदय में जरूर प्रविष्ट हो जाए। ज्ञानी तत्वदर्शिन उपदेशन्ति ते ज्ञानीन तत्वदर्शिन, तत्व ज्ञानी व्यक्ति उपदेश हमको कर दे और हमारा हृदय में जो कालापन है हमारा हृदय में जो डार्टी अवस्था है जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया चेतो दर्पण मार्जन, चेतो रूपी जो दर्पण है इसको मार्जन करो, सवन कीर्तन के जार सवन कीर्तन जले करे सिचन है ना, सवन कीर्तन जले करे सिचन ऐसा मार्जन करते करते सफा हो जाए। तो तुलसीदास जी ठीक ही बताए, और जब तत्व ज्ञान प्रविष्ट हो जाए कालापन हृदय का एकदम सोने का मापिक है? हो जाएगा ना, कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रविष्ट, आंख मतलब तत्व ज्ञान जब प्रविष्ट हो जाए तो ये भी ऐसा हो जाए कि ये भी दूसरे को तत्व ज्ञान उपदेश करे, यही तो होता है संतों का जो परंपरा है कैसे हो रहा है देखो, जो मसाल जो है मसाल देखो मसाल ओलंपिक का टाइम पे एक मसाल को जला लिया फिर दूसरे मसाल को जला लिया है ना, मसाल एक मसाल से दूसरे, अब ऐसे ही संत महात्मा लोग क्या करते हैं अपना जो ज्ञान राशि है दिव्य अनुभूतियां जो है वो अनुगत जन के हृदय में स्थापित कर देता है, अब वो भी एकदम आग जैसा हो जाता है, वो भी दूसरे को तत्व ज्ञान देना शुरू कर देता है। ये कोई ऐसा मजे का बात नहीं, ये हो जाता है। हाँ देखो इधर जो है ये प्रश्न किए परीक्षित महाराज जी, दुनिया जो है
क्षणभंगुर क्षणभंगु निष्ठ आ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी महाराज तक अब इस समय परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज के हृदय में ये प्रश्न आया कि ऐसा कोई चरम मंगल का वार्ता ये महापुरुष दे सकता है, क्यों? जोगी नाम परम गुरु, इसका नाम दिया परीक्षित महाराज। विचार करके, परीक्षित महाराज का विचार नहीं, सारे संत समाज का यही विचार है, योगी नाम परम गुरु। जितना सारे योगी ऋषि मुनि ऋषि है, इन सभी का गुरु है ये काल का जो 16 साल का जो लड़का है सुखदेव गोस्वामी। योगी नाम परम गुरु ये शब्दों का अर्थ है भगवान का साथ योग सूत्र, भगवान का साथ भजन करने से, भगवान का साथ भजन करो तो ठाकुर जी का साथ संबंध हो जाता है, योग सूत्र हो जाता है। कई भी मार्ग में करो, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगुह योग, योग जो है सभी का नाम योग। गीता में क्या है, एक कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगुह योग, भक्ति योग, ऐसा है ना, सब योग लिखा है। योग इज द कॉमन टर्म, योग को कॉमन टर्म यूज किया, किस लिए? इसका मतलब है टू गेट इन कनेक्शन विथ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का साथ योग सूत्रों बनाने का एक तरीका। तुम्हारा तरीका है कर्म मार्ग, इसका तरीका है योग मार्ग, इसका तरीका है राज भक्ति मार्ग, तो इसी कॉमन टर्म को रखते हुए ये शब्दों को यूज किया। ऐसा मत सोचो कि योगी, ऐसा नहीं, जितना सारे भजन करने वाले हैं ऋषि मुनि तो सब भजन करने वाले, जितना सारे ऋषि मुनि इधर पहुंचे हैं, सारे ऋषि मुनियों में योगी नाम परम गुरु, आप योगियों में परम गुरु है, इसीलिए आपका सामने जगत का खणभंगुर अवस्था देखते हुए आपका सामने हम एक क्वेश्चन रख दिया, अथो परीक्षा में संसिद्धि, हमारा संसिद्धि कैसे हो, परम सिद्धि। शास्त्रों में विचार है भक्ति के बिना सिद्धि होता ही नहीं कुछ, चाहे योगी ज्ञानी कुछ भी हो, बिना भक्ति होगा ही नहीं, होगा कुछ नहीं होगा, बिना भक्ति होता नहीं, शास्त्र में है। और इधर जो क्वेश्चन है ये प्रश्न रख दिया, मरणशील जो मरने वाले जो है, मरने वाले सब जितना सारे आदमी हैं सबके लिए एक ऐसा साधन बताइए जैसे इसके द्वारा संसिद्धि मिल जाए और कुछ शेष ना रह जाए। और द्वितीय स्कंदो अभी शुरू हुआ, दूसरा स्कंदो, इसमें पहला अध्याय पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये प्रश्नों का बड़ा प्रशंसा किया। ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न किए हैं कौन, परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जो को जो प्रश्न किए हैं, ये सुखदेव गुरु जी ये प्रश्नों का बड़ा भारी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बरियाने सते प्रश्न की तो लोको हितम नृप आत्मवीत सन्मत पुंसाम श्रुतव्याधि सूय पर। वाह बहुत सुंदर, बरियानेशो ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है, तमाम दुनिया में ये जो प्रश्न है ये एक्सीलेंट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बड़ा भारी विराट साइंटिस्ट है, नाम बोलने का दरकार नहीं, उसको एक दार्शनिक ने पूछा, आज का आपका सामने कोई अगर कहे कि एक क्वेश्चन करो, एक किसी दार्शनिक ने पूछे आज, अच्छा आपको अगर एक मोहलत दिया जाए कि एक ही क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन यू कैन पुट बिफोर मी, एक क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरा नहीं, तो कैसा क्वेश्चन करोगे आप, आपका मन में कौन सी क्वेश्चन आएगा? तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया, बोला हम तो ये क्वेश्चन करेगा, वेदर द वर्ल्ड इज फ्रेंडली और नॉट, ये जो क्वेश्चन है इसका अनुभव होना चाहिए, भले ये जगत जो है दृश्यमान जगत, इसका पीछे कोई ऐसा कोई चीज है
कॉमन चीज है जो पूरा जगत को बंधन करके रखा है। हमारा जो मसला हम व्याख्या ना करें तो समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा ये क्वेश्चन है। बोले ये जगत जो है पूरा जगत का हमारा लगता है अंदर में ऐसा एक कॉमन चीज है जिसके द्वारा सारे उसका अंदर में एक प्रेम प्रीति का संबंध होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। एक कॉमन फैक्टर है लेकिन हो नहीं रहा। इसका व्याख्या हमने बहुत बार कर चुके वृंदावन में फॉरेनर लोगों का सामने। ये इसका थोड़ा इसका समाधान हम कर दे तो अच्छा लगे। हमें बोले देखो एक एक पॉइंट को रखते हुए एक कंपास देखे कंपास लगाया हुआ है कंपास एक पॉइंट बना के पूरा सर्कल बना रहे। एक कंपास है कंपास को इधर लगा के एक पॉइंट पूरा सर्कल बना रहे। कई सर्कल बना चुका चाहे 50, 60, 70 जितना इच्छा का कंपास सर्कल बना रहे लेकिन सबका सेंटर पॉइंट है कॉमन। समझा मेरा बात। एक ही तो सिर्फ इसको बढ़ा दिया रेडियस को ऐसा और इसको थोड़ा कमा दिया रेडियस बना दिया सेंटर पॉइंट एक है। जब सेंटर पॉइंट एक है तब क्या हुआ किसी का साथ किसी का कोई धक्का नहीं लग रहा। धक्का लग रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है क्योंकि सबका सेंटर पॉइंट एक है। तो ये जो साइंटिस्ट है इसका बोलने का मतलब है हमारा लगता है ये तमाम कॉस्मिक वर्ल्ड का देयर मस्ट बी ए सेंटर पॉइंट एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जिस कॉमन पॉइंट को बीच में रखते हुए तमाम वर्ल्ड में खेला चल रहा है उसका नाम है ठाकुर जी। समझा नहीं मेरा। आप वो जो सर्कल अपने इतना एक सेंटर पॉइंट को रखकर इतना सर्कल ड्रॉ किया लेकिन अगर हम ये सेंटर पॉइंट को थोड़ा इधर उधर कर दो इधर से सेंटर पॉइंट को थोड़ा 1 मिलीमीटर इधर कर दो जो सेंटर पॉइंट था पहले थोड़ा 1 मिलीमीटर इधर तो एक तो इसमें क्या होगा। और जब सर्कल ड्रॉ करोगे देखोगे पहले वाला जितना सारे सर्कल है उसका साथ इंटरसेक्ट किया। समझा नहीं मेरा भाई। जो लोग पढ़ाई किया है वो लोग जानता है थोड़ा सेंटर पॉइंट को थोड़ा हटा दो सेंटर पॉइंट को थोड़ा हटा दो देखोगे सर्कल जब ड्रॉ करोगे तब देखोगे सारे एक दूसरे का साथ इंटरसेक्ट धक्का लग रहा है। यही बात हुआ ये जगत में। वही साइंटिस्ट का बात यही है भाई जगत एक दूसरे का साथ पूरा दोस्ती होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। क्यों सबका सेंटर पॉइंट जो है स्वार्थ है सब अलग है। समझा मेरा बात। समझा नहीं। इसका साथ इसका धक्का क्यों लग लड़ाई क्यों लग रहा है क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट जो है इसका जो इंटरेस्ट है अलग है तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है इसीलिए धक्का लग रहा है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पे हम चर्चा करने बैठे इसलिए बीच बीच में हम चैतन्य महाप्रभु का लीला में चले जाते। ये मेरा दोष है कि गुण है जो भी बताओ। बोले चैतन्य महाप्रभु का समय हजारों हजारों भक्त आए। चैतन्य महाप्रभु का समय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का खातिर हजारों लाखों भक्त आए ना। लेकिन किसी का साथ किसी का कल्यूशन धक्का कल्यूशन नहीं हुआ धक्का नहीं। क्यों बोले सबका सेंटर पॉइंट एक है सब चैतन्य महाप्रभु का सेवा ही एकमात्र धर्म है। समझा मेरा बात। समझा नहीं। सबका उद्देश्य मकसद एक है हम प्रभु जी का सेवा करेंगे हम प्रभु जी का सेवा करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे सेवा करेंगे तो किसी का साथ किसी का लड़ाई हो नहीं पाया क्योंकि सबका उद्देश्य एक है हम प्रभु जी का सेवा करें है ना। यही तो कारण है। लेकिन आजकल के जमाने में सोचो कोई मठ मंदिर बनाओ तो उसमें मठ मंदिर इसमें क्या हुआ मठ मंदिर बनाओ तो उसमें क्या हुआ सोसाइटी फॉर्मेशन का जरूरी है ना। सोसाइटी फॉर्मेशन कर दो इसमें सेक्रेटरी बनाओ और वाइस प्रेसिडेंट बनाओ ट्रेजरर वो कैश माल कौन संभलेगा उसका लिए क्यों इतना। पहले तो ऐसा नहीं था
क्या चैतन्य महाप्रभु का इतना सेवा हुआ, लाखों लाखों सेवा हुआ, किसी को सेक्रेटरी बनाने का कोई जरूरत नहीं था, प्रेसिडेंट कोई नहीं बना, क्यों? सबका का सबकोई का उद्देश्य कॉमन, सबकोई का इंटरेस्ट जो है कॉमन इंटरेस्ट टू सर्व चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम लॉर्ड। अब अभी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनाने का बाद भी लड़ाई हो रहा है दुम दाम, क्यों? सबका इंटरेस्ट अलग है, दुख नहीं मानना, ये एकदम पक्का बक्का, सबका साथ सबका धक्का हो रहा है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो है सब अलग अलग हो गए। इसीलिए वो साइंटिस्ट ने बताया, हमारा लगता है कि पूर्ण कॉस्मिक वर्ल्ड इसमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसमें पूरा वर्ल्ड को लगता है दोस्त एक दूसरे को। एक महात्मा जो है साधु महात्मा, उसका कोई दुश्मन नहीं रहता, चाहे उसको मारने के लिए कोशिश करे, उसको मारने के लिए कोशिश करे, अपमान करे, कुछ भी करे, लेकिन वो महात्मा सोचता नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो ठाकुर जी का संबंध में देखता है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीट रहा है, वो भी शंकर माछ जो है, शंकर माछ जो है मछली, उसका जो चाबुक होता है ना, एक चाबुक जो पुलिस का उधर रहता है, एक मारे तो हो गया राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसा जो चाबुक है 22 बाजारों में पीट रहा है, यहां से ए बाजार से वो बाजार ले जाए, वहां पब्लिकों के सामने एक पीटे, उधर से उस दूसरा बाजार में लिया, उधर लगे 22 बाजार में। हरिदास ठाकुर का कसूर क्या है? उन्हें हरिनाम किया, यही तो कसूर है और तो कुछ नहीं। 22 बाजार में पिटाई किया, तब भी हरिदास ठाकुर खून ही खून। हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये लोगों को क्षमा कर दो, ये लोगों का कोई दोष नहीं पकड़ना, ये लोग जानता नहीं कुछ। इसको बोलता है वैष्णव साधु, हैं ही तो साधु। वृक्षो जानो काटिलो किछु न बोलोय, सुखाइया मोइले कारे पानी न मांगोय, जेई जा मांगवे तारे दे अपन धन, घर में बिष्टि सहे आनेर करे रक्षण, अपना भूख प्यास अपमान सब भी सहन कर, फिर उसका मंगल हो जाए, हमारा हमारा कुछ भी हो नुकसान उसका मंगल हो, ये साधु है। साधु का दो फैक्टर चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे चीज बताए, इसमें दो फैक्टर ध्यान से सुनना, एक दो फैक्टर ये किसी साधु का अंदर देखा 100% निश्चय कर लेना तो ये पक्का साधु है, बड़ा साधु है। ये क्या है? नामे रुचि जीवे दया, नाम में बड़ा रुचि, कथा कीर्तन नाम इसमें एकदम इतना रुचि है, आनंद है हर वक्त। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, हमारा कृष्णदास बाबा जी महाराज थे हमारा गुरु जी का गुरु भाई, प्रभुपाद जी का आश्रित जन। गुरु जी बोले उसको सोने के उसके सोते हुए कोई नहीं देखा, कृष्णदास बाबा जी महाराज को कोई सोते हुए नहीं देखा, हर वक्त संकीर्तन नाम, 84 कोस चल रहा है मृदंग लेके पूरा रास्ता, चाहे 5 घंटा चलो 6 घंटा चलो, हर वक्त कोई क्लांति नहीं चल रहा है। और इतना परिक्रमा करने का बाद जब आके अपना आसन पे अपना आसन पे बैठे ना, परिक्रमा हो गया, अब आसन लगाया, आसन में बैठ के पूरा रात हरि नाम। जब भी कोई गुरुवर्ग बोले बाबा जी महाराज अब सोया नहीं, अभी अभी सोएंगे, अभी सोएंगे, वो सोया, फिर 1 घंटा बाद कोई दूसरा महाराज उठा, महाराज अभी सोया नहीं है, रात 2 बज गया, हाँ अभी सोएंगे, अभी सोएंगे, सोया ही नहीं, कोई सोते हुए नहीं देखा, सोते हुए ना। मेरे गुरु जी भी ऐसा है, पूरा रात लिखते 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 कई दिन ऐसा हुआ, पूरा कई रात बीत गया। कोई ब्रह्मचारी अपना लघु संघा के लिए, महाराज अभी भी लाइट जल रहा, आप सोया नहीं, हाँ अभी सोएंगे, अभी सोएंगे, काम कर रहे हैं। वो दूसरा मुझे, महाराज आप सोए नहीं अभी, रात 2 बज गए, हाँ अभी सोएंगे, थोड़ा बाकी है। फिर 3:30, 4:15 बज गया तो घंटा लग गया मंदिर का घंटा। और गुरुजी बोले अरे सुबह हो गया, जा अब आज अच्छा ही हुआ, ठाकुर जी का सेवा में चला गया, नहीं तो सोते रहते, अच्छा ही हुआ सोया नहीं, ठाकुर जी का सेवा में गुजार दिया। तो सारे अखिल जाम
इसका बारे में हम अंतिम दिन चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी बात का फाइनल एडवाइस, रूप गोस्वामी बात का जो फाइनल एडवाइस है वो क्या है उसका बारे में अंतिम दिन जाने का समय हम बता के हम चले जाएंगे, ठीक है। और यहां जो है देखो परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन है इसको बड़ा भारी प्रशंसा किया गुरुजी ने, गुरुजी ने बड़ा भारी प्रशंसा की। बोले सुखदेव गोस्वामी बोले बरियान ये सोते प्रश्नो कृत लोक हितो निभा, हे निपो हे राजन तुमने जो प्रश्न की है ये प्रश्न तो चरम मंगलदायक, ये प्रश्न तो साधारण प्रश्न नहीं है। बरियान ये सोते प्रश्नो, बरियान मतलब सर्वश्रेष्ठ ऊंचा एकदम, बरियान ये सोते प्रश्नो प्रश्न कृत लोक हितम निभा, तमाम दुनिया का मंगल का व्यवस्था इसमें छुपा हुआ है ना, तमाम जगत का मंगल का व्यवस्था इसमें छुपा हुआ है। तो आत्मविद सन्मत, जितना सारे आत्मविद है, आत्मविद कौन है, आत्म तत्वविद है ना। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आत्मविदों का द्वारा अप्रूव्ड है, ये आत्मविदों के द्वारा अप्रूव्ड है, अनुमोदित। आत्मविद जो है जितना सारे साधु संत है आत्मविद है, दे ऑल अप्रूव्ड इट, ऑल अप्रूव, ये अनुमोदन की है। आत्मविद सन्मतः पुंसाम श्रोतव्यादि सूजा परह, दुनिया में सुनने वाला सुनने का चीज तो बहुत है, सुनने का चीज करोड़ों करोड़ों सुनने का चीज है ना। बाहर जाओ कितना सुन चीज सुनोगे, गाड़ी का हॉर्न, ये बातें हो रहा है, ये गुलगप्पा वाला ये बात कर रहा है, वो आइसक्रीम वाला बात कर रहे, वहां बच्चा लोग ये खेलकूद में ये बात, करोड़ों करोड़ों बात आएगा। अनंत काल से कितना बातें सुनते आए हो हाँ, और हम ये पागल है, दुनिया का कितना आदमी को हम बोलते फिरे ये सब बात, कुत्ता का माफिक चिल्लाते चिल्लाते कहां जाए, हम तो जाते नहीं, कम जाते हैं, कहां तक हम हमारा बात पहुंचे। जब आप लोग आपको आप लोगों का चरण पकड़े, अब ऐसा करो ऐसा करो, ये कहां तक बोले। ठाकुर जी का कृपा है, जिस समय महापुरुष लोग था प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर, इस समय तो ये व्यवस्था नहीं था, और हम जैसा मामूली आदमी है हमारा बात अभी चारों ओर चला जा रहा है ऑटोमेटिक, हमारा साथ किसी का देखा भी नहीं हो, हमको जानता भी नहीं, देखा नहीं, हजारों हजारों आदमी हमको देखा नहीं कभी, उसका साथ हमारा देखा होगा ही नहीं, होना संभव नहीं, हम जाते नहीं, लेकिन वो लोग कथा सुन रहे हैं। लेकिन अगर परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का कथा होता, प्रभुपाद का कथा होता, हमारा गुरु जी का, हाय भगवान, हम सोचे हम तो ऑर्डिनरी आदमी है, हमारा बातें जा रहा है सारे सारा वर्ल्ड, और उन लोगों का बात अगर जाते तो अच्छा होता, महापुरुष का बात। तो ये जो है ये जो आत्मविद सन्मत हो पुंसाम, पुंसाम शब्दों का व्याख्या हम किया, मैं जितना सारे जीवात्मा है पूरे देहे बसती इति पुरुषः, जीवात्मा जिस शरीर को आश्रय करके अपना बासा किया उसका नाम है पुरुष। आत्मविद सन्मतः पुंसाम स्वतवादीशु जपरः, इससे बढ़कर और सुनने का चीज है नहीं। तुमने जो प्रश्न किया है इसके द्वारा जो उत्तर आएगा इसी का नाम भागवत धर्मो। आत्मविद सन्मत स्वतवादी सुजा पर। और अभी सुखदेव गोस्वामी जी ने सुंदर बताया, देखो कैसा करके आपका समय को हरण करके ले जा रहा है कौन, महाकाल। महाकाल जो है आपका जो आयु है, आयु को हरण करके ले जा रहा है ना, आयु हरण करके ले जा रहा है। लेकिन अभी जो हरिकथा सुनने बैठे हो, महाकाल का हिम्मत नहीं है ये समय को हरण कर ले। हरिकथा कीर्तन में जब तक वो जुड़े हुए हो, जब तक कनेक्शन, तब तक किसी का हिम्मत नहीं आपका आयु का हरण करके ले जाए, संभव नहीं। निद्रया हियत नक्तम व्यव्यये न चवावयो दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरने नवा, निद्रया ह्रियत नक्तम
व्यवये न च वावय दिवाच अर्थ हया राजन कुटुंब भरने नवा है। यही तो है ना निद्रया हियत नक्तम, जब सोते रहते हो घर जाके सोगे तो निद्रा निद्रया हियत नक्तम, रात का समय सोते सोने में चला जाता है। और दीवा निद्रया हियत नक्तम व्यवयेन च वावय है व्यवयेन जड़ सुख, ये शब्द ही ठीक है, बाकी नीचे हम नहीं जाएंगे। जड़ सुख भोगने के लिए व्यवयेन च व्यवय शब्द का और भी डर्टी माने हैं लेकिन हम नहीं बताएंगे, जिसका बुद्धि है समझ लो। रमन जड़ सुख एंजॉयमेंट के लिए गया, व्यवयेन च वावय हो उम्र चलती जा रहा है, उम्र गया। भक्ति में ठाकुर सुंदर कितने है, भक्ति में सब सुंदर कितने है ना है। अभी बचपन में बहुत खेला धुला किया, अभी लिखा पढ़ा थोड़ा किया, भाई होश संभाला, पैसा रोजगार कर लिए गया है ना, कितन सुंदर सुंदर कितन है ना, कितना सुंदर कितन है। बालोक होइया खेलिनु बालोक समो, कितन है ना सुंदर कितन है। उसमें सारे जो जीवों का अवस्था है आदमी को सारे बता दिया उधर। अब ये जो है ये श्लोक जो है ऐसा ही है सुंदर तत्व विज्ञान खोलने वाला। निद्रया हृत नक्तम व्यवय ने चौ बाबा यो, तुम्हारा उम्र कैसे चला गया, रमन करते करते विषयों से विषय भोगों में रमन करते करते पूरा उम्र चला गया। दीवाच अर्थ हया मानी 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 मानी, ऐसा रुपया देखो कहां पैसा है, पैसा का खोज में पूरा दिन का टाइम गया है। दीवाचार से हया राजन कुटुंब भरने नवा, जितना सारे बाल बच्चा है नाती पोती है और सगे संबंधी है सबका पैसा तो चाहिए, दुर्गा पूजा आ गया सबको भेंट करना पड़ेगा साड़ी, अब पैसा लाओ, अब गरीब है स्वामी कहां से लाए, बोला हम नहीं जानते, लाओ साड़ी देना पड़ेगा नहीं तो हमारा नक कट जाएगा है, लाओ से कहां से लाए, चोरी करके लाएगा। ऐसा ही है, एक कहानी है सुंदर, प्रैक्टिकल कहानी है, कहानी नहीं है प्रैक्टिकल। बोले एक मोटर पार्ट्स का दुकान में एक लड़का काम करता था, बड़ा जेन्युइन लड़का है, एक पैसा इधर उधर मालिक का सामने जितना सारे एक पैसा भी हिसाब जोड़ते तुम्हारा मालिक को। अब उसका शादी हुआ, लड़का बहुत सच्चा है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता, मालिक उसको बहुत विश्वास करते। शादी हुआ, शादी होने के बाद ऐसा बीबी आया ठाकुर जी का इच्छा से, उसका बड़ा भारी परीक्षा हो गया। बीबी आके बोले अब ये लाओ मेरे लिए वो लाओ, अब कमाता तो है कम पैसा, कैसे लाए कैसे लाए, अभी सेंट लाए ये लाए चूहे, अब ऐसा है बेचारा, अभी बड़ा मुश्किल में गिर गया, रोटी पानी का व्यवस्था करे कि ऐसा करे हैं, फेयर एंड लवली लाओ ये लाओ वो लाओ सब कहां से लाए बेचारा, ऐसा व्यवस्था। उसके बाद क्या हुआ, पूजा का टाइम आया, अब बीवी बोले जाओ पैसा लाना ज्यादा, साड़ी खरीदना पड़ेगा नया शादी हुआ है, वो बेचारा कहां करे, जितना थारे मिला है तो उसमें होगा नहीं। फिर वो क्या किया, चोरी शुरू किया। आदमी का जो नियत है वो बदल जाता है, जब सिचुएशन आता है ना बदल जाता है। ऐसा आप देखोगे अजामिल का कैरेक्टर, अजामिल तो बहुत अच्छा था, उसका नियत बदल गया सिचुएशन कुछ। ठाकुर जी आपका जिंदगी में ऐसा सिचुएशन पैदा कर दे उसी में आपका परीक्षा हो जाएगा, और फेल हो जाओ तो गया, और पास हो गया तो गया। ठाकुर जी ऐसा परीक्षा में आपको फेंक दे उसी टाइम में आप पागल हो जाओगे, अब क्या करे, ये करे को वो करे। और सच्चा महात्मा हो तो उसका जिंदगी में तो कोई समस्या है नहीं, वो बोले दुनिया चूल्हे में जाए, दुनिया चूल्हे में जाए, हम तो अपना जो नियम है जो आदर्श है अभी हम फेंकेंगे नहीं, दुनिया चूल्हे में जाए, हमारा कुछ आता जाता नहीं, जो कुछ भी हो कुछ भी कर ले हैं। इस संसार को छोड़ के गया तुलसीदास जी, कितना सारे आदमी बिल्लमंगल ठाकुर
हैं, बिल्लमंगल ठाकुर संसार छोड़ दिया एक बात में, तुलसीदास जी एक बात में, तुलसीदास जी बीबी का साथ बहुत प्रीति, इतना प्रीति पूछो मां, बाहर का आदमी शर्मिंदा हो जाए, इतना प्रीति है उसका साथ। और तुलसीदास जी एक दिन बड़ा भारी बारिश हो रहा है, एकदम फूट फूट के बारिश हो रहा है बिजली, उस टाइम में क्या किए, बीबी गई कहां बोले बीबी गई अपना मैके, अपना पिताजी का घर, घर को गई। और तुलसीदास जी को रहा नहीं गया, इसी बारिश में अंधेरा में इतना बिजली हो रहा है कि आदमी मर जाए, उसी में दौड़ दौड़ के गांव गांव पार करके घर में, उसी जगह मैके मतलब वो जो है पिताजी ससुराल में गया। ससुराल में जब गए तो ससुराल में बीबी उसको देख के चौंक गया, अरे आप इतना बारिश में आदमी मर जाएगा, इतना बिजली गिर रहा है आप आ गए हो। बोला हमको रहा नहीं गया, ऐसा बोला हम आ गए आपका पास। उसका बीबी ऐसा एक शब्द बोला जो जो आकर्षण है मेरा लिए, अगर जरा सा भी राम जी में हो जाए तो आपका बस मंगल हो जाए, बस ये शब्द बोला, शर्म होनी चाहिए आपको। तुरंत उस घर से मोड़ के उसी बारिश समय में चला गया, बस संसार को एकदम छोड़ के। बिल्लमंगल ठाकुर का भी ऐसा हुआ, शुद्ध ब्राह्मण घर का, लेकिन दिमाग खराब हो गया, क्रॉस क्वार्टर में जाते थे बेशा का बेशा लाइव। अब पिता का श्राद्ध हुआ उसी दिन करने के बाद, रात को इतना बारिश है बिजली है, रहा नहीं गया चला गया, किसका घर किसका जगह किसका घर गया, चिंतामणि का घर गया। और जाने के बाद चिंतामणि अंदर में है, क्योंकि बाहर में पांचिल है ना, बड़ा दरवाजा बंद है, उसका अंदर घुसे कैसे, घुसने का कोई व्यवस्था है नहीं, और चिल्लाओ तो शब्द जाएगा नहीं, इतना जोर बारिश हो रहा है और इतना बिजली गिर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ढूंढा पूरा पांचिल का चारों, कैसे हम उठे, पांचिल को लंघ कर हम कैसे जाए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अंतिम में देखा एक वृक्ष का जैसे डाल है लटक रहा है, उसको पकड़कर एकदम ऊंचा पाचिल है उसमें एक छलांग लगाया, छलांग के एकदम फेंट अज्ञान हो गया, माथा में चोट आई, गिर गया। जब धराम एक आवाज हुआ, अंदर में आवाज हुआ क्योंकि ये तो बाहर है, तो चिंतामणि बोले कैसा आवाज हुआ ऐसा इतना जोर, तो बत्ती लेके देखा, रे ये तो ये आ गया, ये तो ये आ गया। उसको एकदम उठा के फिर ले आया अंदर में, और देखिए महाराज अंदर कैसे आए, देखिए बड़ा भारी सांप है, सांप उसका जो पुछुआ है, वो पुछुआ लटक रहा था, वो सोचा गया वृक्ष का ए, 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 उसको पकड़ के छलांग लगाया, हाय भगवान। इसको बोलता है काम, जिसके जिंदगी में काम का समाप्ति नहीं भाई, उसका लिए जहां काम तहां नहीं राम, काम है तो काम लेकर रहो, राम है तो राम लेकर रहो, होगा नहीं। अब वो चिंतामणि जो है एक शब्द बोली, एक शब्द, जितना तुम्हारा हमारा लिए प्यार है अट्रैक्शन है, भगवान के लिए अगर हो जाते तो तुमको अभी भगवान मिल जाता। इसी शब्दों को सुनते हुए उसी समय सब छोड़ के चला गया, सब छोड़ के, कौन बिल्लमंगल ठाकुर। और 750 साल तक ठाकुर जी का कृपा हुआ, 750 साल तक जिंदा रहा और ठाकुर जी का लीला देखते रहे, सोचो क्या 750 साल, हैरान की बात है 750 साल। उसका नाम पड़ गया लीला सुख नाम हो गया, ऐसा है। चिंतामणि जयती इत्यादि स्तोत्र किया, चिंतामणि को गुरु माना, जो वेश्या है बिल्लमंगल ठाकुर बोले चिंतामणि जयती गुरु में, चिंतामणि को गुरु माना। अगर चिंतामणि अगर ऐसा बात ना कह देती तो हमारे जिंदगी में ठाकुर जी प्राप्ति करने का कोई व्यवस्था रह जाता, कोई व्यवस्था नहीं होता। अब परीक्षित महाराज का जिंदगी में सांप आया,
जब ही अभी जल्दी जल्दी जा रहा है, हमारा तो 7 दिन शेष है, अभी चले जाए, जाके बैठ गया उधर। आत्मविद सन्मत पुंसम सतोपवादी सुजा पर चर्चा किया और दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब वर्णे निद्रया हृत निकटम बब्बये न चौबावय दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब वर्णे न, ऐसा करके प्रसंग शुरू किया। आप हम तो संक्षेप में बता रहे, ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि समय बच गया, फिर 25 दिन शायद 25 दिन है ना, 25 दिन शेष है, 25 दिन भी नहीं 24 दिन शायद है, हमारा टेंशन हो रहा है, बहुत सारी चीज चर्चा करने का इच्छा है, लेकिन आप लोग सहायता करें तो हो पाएगा, नहीं तो। अब ये जो क्वेश्चन है, अथो पृच्छा में संसिद्धि जोगी नाम परम गुरु पुरुष से यमांश सर्वदा, जो क्वेश्चन किया था इसका उत्तर पहले सुन लो, इसका उत्तर क्या है, सामने आ जा, सामने आ जा, बहुत जगह है। तो ये जो है इसका उत्तर क्या है, अथो पृच्छा में संसिद्धि जोगी नाम परम गुरु पुरुष से यमांश सर्वथा, इसका उत्तर पहले सुन लो। सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं, सुनो, आपने प्रश्न किया मृियमान आदमी के लिए कौन सी ऐसे साधन है जो करना चाहिए, ठीक है, इसका उत्तर सुन लो। एतद् निवृत्तमानानं मिच्छताम कुतो भयम् जोगीनाम निपनिर्णितम हरिर्नामानुकीर्तनम्। एतद् निवृत्तमानानं मिच्छताम कुतो भयम् जोगीनाम निपनिर्णितम हरिर्नामानुकीर्तनम्। उत्तर आ गया ना, एतत् निवृत्तमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगीनाम निपो निर्णितम हरिर्नामानुकीर्तनम्, दैट इज आंसर, हो गया उत्तर। हे राजन, जो ये संसार का जो भय डर है ना, हर वक्त बेचैनी, ये जो बेचैनी है, बेचैनी को पूरा मिटा दो, साधु संतों का कीपा लेकर ये बेचैनी को पूरा एकदम मिट्टी में मिटा दो, तब भजन बनेगा। यहां लिखा हुआ है कि राजन, एतद् निवृत्त मानानम इच्छतम अकुतो भयम्, जो निवृत्ति परम निवृत्ति होना चाहता है, परम निवृत्ति टोटली सेटिस्फेक्शन जिसका जिल में आए, सेचुरेशन उसका निवृत्ति बोला है, कोई भी आकांक्षा शेष रह जाए तो निवृत्ति नहीं होगा, निवृत्ति होगी उसी निवृत्ति तुम्हारे अगले जन्म में दूसरा जोनी में भेज दे, कितना डेंजरस है, कितना समस्या है देखो। इसे बोले एतद् निवृत्त मानानम इच्छता मकतो भयम्, जो लोग एकदम निर्भीक होना चाहता है, निर्भय, कोई डर नहीं है बिल्कुल, वो निर्भय जो है उसका निर्भय कौन हो सकता, दुनिया में एक आदमी देखाओ निर्भय हो गया है, निर्भय कौन है इसका उत्तर जानते हो है, निर्भय कोई नहीं हो सकता, सन्यास हो जाने का बाद निर्भय होता है, नहीं तो निर्भय नहीं होगा, होगा कभी नहीं होगा, सन्यास मतलब वो सन्यास नहीं, हृदय में निवृत्ति हो जाना उसका नाम सन्यास, निवृत्ति हो जाना सन्यास है, सन्यास में नाम बेस ले लिया, दंड ले लिया, अरे माने ऐसा नहीं है, माने है, माने गंभीर अर्थ है, ये है जब बिल्कुल भोगने का कोई वासना नहीं है, बिल्कुल पोछा लगा दिया हृदय को, ऐसा पोछा लगाया कोई दाग भी नहीं है, उसे चाहे निर्भय कुछ है, संन्यासत निर्भयम, संन्यास से निर्भीक होता है आदमी, नहीं तो निर्भीक अवस्था कभी नहीं पैदा होगा हृदय में। और ये जो है एतद् निवृत्त मानानम इच्छता मकुतो भयम्, जिसका हृदय में इच्छा है कि हम बिल्कुल निर्भीक हो जाए, तो जरूर इस बात को सुन लेना, निवृत्त मानानम इच्छता मकुतो भयम् योगिनाम निपो निर्णितम, योगिनाम निपो निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम्। सारे संत महात्मा ने
बैठकर विचार लगाया, उसमें यही उत्तर आया कि एक ही चीज है, उसमें तुम निर्भीक बन जाओगे। कौन सी चीज है? बोले हरे नामानुकीर्तनम, हरि नाम हरिगान जो है इसका अनुकीर्तन करो। हरे नामानुकीर्तन मतलब अनुकीर्तन मतलब जो हमारे जो परंपरा का अनुसार हमारा जो वाणी वैभव का परंपरा जा रहा है चल रहा है, तो ये जो वाणी वैभव है उस जो वाणी का धारा मंदाकिनी धारा, इस धारा में अवस्थित होकर ये वाणी को सुनो। अनुकीर्तन माने अनुगत्य के द्वारा संकीर्तन धर्म में अवस्थित हो जाओ। तुम जो कीर्तन कर रहे हो वो अनुगत्य के द्वारा कर रहे हो कि नहीं? तुम जो संकीर्तन करने बैठे हो, हरिकथा बोलने बैठे हो, तुम अनुकीर्तन कर रहे हो को अभिमान के द्वारा? क्यों, क्या कारण? अगर तुम अनुकीर्तन करने बैठे हो, अनुकीर्तन अनुगत में बैठे, हम सर झुका के जो गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो है हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और बोलते रहे हम, यही तो है ना, ये इसका नाम है अनुकीर्तन। अनुकीर्तन का और एक माने है अनइंटरप्टेड। ये संकीर्तन का बीच में कोई छेद न रह जाए, कोई छेद न रह जाए, कंटिन्यूअस उस संकीर्तन में कोई छेद न रह जाए, हैं, नॉन स्टॉप, चाहे सो जाओ, खाओ पियो, भ्रमण करो, कुछ भी करो, रसोई करो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर में हर वक्त हरिनाम कीर्तन चल रहा है, गूंज रहा है ठाकुर जी का नाम। ये अवस्था है, ठाकुर जी का नाम हृदय में गूंज रहा है। ऐसा नाम किया कि रग रग में हर रमकूप हनुमान जी जब संकीर्तन करते हैं ना, हनुमान जी आएगा पंचम स्कंद में, एक दीप है, हैं, एक दीप है, उस दीप में हनुमान जी बैठते हैं, बैठ के संकीर्तन, राम जी उसको आचार्य बना के रखे गए, और संकीर्तन करते करते महाराज उसका अवस्था ऐसा हो जाता कि पता नहीं चलता कुछ अवस्था में है, रोम रोम खड़ा हो जाता, रोम रोम से राम 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 राम, पूरा रोम से जय राम श्री राम जय जय राम, पूरा रोम कोम खड़ा हो जाता है ऐसा करके। चैतन्य महाप्रभु के भी हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है ना, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम लेते लेते ऐसा अवस्था है कि जैसे लगता है कटहल जैक फ्रूट, कटहल का जो ऊपर का जो है ना छिलका, उसमें क्या दाना दाना रहता है ना, ऐसा जैसे चुप जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का हर रमकूप ऐसा हो गया। कटहल खाए हो? नहीं खाए? कटहल, हाँ, बांग्ला में कटहल बोलता है। और जो एक एक रमकूप जो है वो सब ऐसा बन गया चैतन्य महाप्रभु का, अरे महाराज कांटे जैसा। हनुमान जी का भी ऐसा, जय राम श्री राम जय जय राम कीर्तन करते गाते विभोर हो गया, पसीना रोना, एक इसको बोलता है नाम। चैतन्य महाप्रभु इसका सिख अष्टक में सुंदर बताया, कोई ध्यान दे के सुने, हृदय दे के सुने तब ना काम है। चैतन्य महाप्रभु रो रो के बताए, नयनम गलद सुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम गहने भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु बताए ना, नैदम गलत सुधारया वदनम गद गद रुद्धया पुलकैर निचितम बपु कदा तुम नाम गहने भविष्यति। हे प्रभु, कब हमारा ऐसा हालत पैदा हो जाए हमारा जिंदगी में जो रोते रोते एकदम तुम्हारा नाम लेते ही रोना आ जाए। इसी को बोलता है हरि नाम लेना, हरि कीर्तन, हरि कथा। बाकी बाजार का कथा में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, सुनने में अच्छा लगे। ऐसा ही बताया उत्तर, एतद् निवृत्त मानानाम मिच्छताम कुतो भयम् योगिनाम निपो निर्णितम हरि नामानुकीर्तनम। हरि कीर्तन करो। अब इसको आश्चर्य मत मानो, क्योंकि खट्टांग नामो राजर्षिर गत्तायत्याम मिहायुषो
मुहूर्त्वात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। क्या आश्चर्य की बात है? गप है? गप नहीं है। लिखा हुआ है कि खट्टंग नाम राजर्षिर हैं गत्यत्वा मिहायुस, अपना आयु बहुत बहुत थोड़ी सी रह गया हैं, दो पल, उसी समय में क्या किया सारे ओ देवता लोग बोले आपने बड़ा भारी सहायता किया हम लोगों को युद्ध में, जितना सारे असुर लोगों को हराया, बड़ा भारी कृपा भाई, चलो हम लोग आशीर्वाद दे देते, क्योंकि देव लोग का आशीर्वाद देने का क्षमता है, आशीर्वाद दे लो। हम खट्टंग राजा को बोला, इतना वीर है ये खट्टंग राजा का वंश है, आगे चल के राम जी का आविर्भाव होगा, सूर्य वंश है, उसका वंश वर्णन हम करेंगे। उसी वंश में खट्टंग राजा का वंश में दीर्घबाहु आदि, उसका बाद आगे चलकर आया वो हमारा तुम्हारा जो दशरथ जी, बहुत ये खट्टंग राजा का वंश। ये खट्टंग राजा को देवता लोग ने बोला बड़ा भारी आपने सहायता की, आपका भारी बड़ा भारी पावर है, तो ऐसा हम लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, आशीर्वाद दे लो। तो खट्टंग राजा बोला आशीर्वाद तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो है ही है आपके पास, लेकिन आशीर्वाद लेने का पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारा आयु का शेष कितना है, उसी हिसाब से हम आशीर्वाद लेंगे, उसी हिसाब लगाएंगे, उसका उससे हिसाब से हम आपके पास हम लगाएंगे लेंगे आशीर्वाद। ठीक है, बोले महाराज आपका तो आयु नहीं है बिल्कुल, नहीं है, बोले नहीं दो पल, दो पल तब तो आशीर्वाद क्या काम का, चलो ऐसा ठाकुर जी मिल जाए ऐसा ही आशीर्वाद दे दो, जाके तुरंत सब छोड़ छाड़ के जाके बैठ गया ठाकुर जी का चिंतन में। और महाराज का कहे खट्टंग नाम का राम का राजा जो है उसका नाम शास्त्र में अनंत काल के लिए रह गया। देखो ये खट्टंग राजा, खट्टंग राजा कितना समय बचा था, थोड़ी समय, ये थोड़ी समय के अंदर क्या कि ये ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए हैं, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिए ना। बरम मुहूर्तम विदितम घटे घटते श्रेयसे यत हो किंग प्रमत्त स्वहुवी परक्षैर हयनै रिह। बहु बहु दिन बहु सालों साल जीत के क्या करे, जी के क्या करे, अगर हमारा हजारों साल आयु हो जाए क्या कर लोगे, ये हजारों साल आयु देखे। लोमोस मुनि नाम सुने हो? लोमोस मुनि नाम नहीं सुने? लोमोस मुनि है और उसका ऊपर आशीर्वाद हुआ, एक एक कल्पो नाश हो जाए तो उसका एक एक लोम जो है लोम रोमकूप गिर जाए, एक कल्पो चेंज हो जाए, इस समय जो कल्पो चेंज हो जाए उस समय उसका एक लोमकूप जो है वो गिर जाए। महाराज पूरा शरीर में जितना लोमकूप है जितना दिन तक रहे उसका हिसाब लगाओ, अभी मेरा बात समझा नहीं, एक कल्प चला जाए तो उसका एक लोमकूप गिर जाए, ऐसा पूरा शरीर का लोमकूप जब जब तक ना जाए तब तब उसका आयु है। अरे बाप रे महाराज, लोमोस मुनि का ऐसा आयु है, पूरा शरीर में जितना लोमकूप है लोम जो है ये एक एक बाल जो है गिरते चले, एक एक कल्प चाहे ऐसा पूरा शरीर का लोम जाए तब उसका शरीर का पतन होगा। ओ लोमोस जी महाराज, ओ लोमोस मुनि तीतु महाराज भी कहते हैं, हंसते हैं, हम भी कहते हैं, ओ लोमोस मुनि सर पे हाथ देके बोलते हाय राम दो दिन का आयु है क्या करें हम ये सब भोग का चीज। ओ लोमोस मुनि कहते हैं दो दिन का दो पल का आयु है हम क्या करें, इतना आयु है लंबा और बोलते हैं दो पल का आयु है हम, लेके क्या करें भोग का चीज, सोचो क्या बात है, ऐसा है विचार। तो हमारा आयु अगर बहुत बड़ा हो जाए, बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, ब्रह्माकमापिक हो जाए तो क्या कर लेंगे हम, क्या होगा हमारा, ब्रह्मा का आयु प्राप्त कर ले तो हम क्या करेंगे, कोई अगर भजन ना करे तो ब्रह्मा का आयु लेके क्या करे। हिरण्यकशिपु कितना दिन तक जिया लेकिन क्या किया, बदमाशी किया, तपस्या करके हमको अमर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, कितना कुछ किया, किया ना, अंतिम रिजल्ट क्या निकला, कुछ नहीं। इसे महाप्रभु जी ने बताया
असुर लोग भी तप करता है, तपस्या करता है, असुरो तप करे ताहे किबा फल, ताहे किबा फल, असुरो तप करे ताहे किबा फल, असुर लोग भी तपस्या करता है, उसमें क्या आता जाता है? तपस्या में तुम्हारा पास, तुम्हारा तपस्या तुम्हारा पास रख लो, हमारा लिए क्या प्रेम किया, कितना प्यार किया हमको, कुछ किया किया तो बताओ। तो खट्टांगो नाम जो राजा है, और मुहूर्तात मुहूर्त काल अवशिष्ट है, अवशेष है मुहूर्त काल, मुहूर्तात सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम, हरि का जो अभय पद, हरि का जो अभय पद, ये अभय पद को प्राप्त कर लिया कौन? खट्टांगो नामक राजा। बड़ा आश्चर्य की बात है। अब सुखदेव गोस्वामी अभी थोड़ा प्रवचन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उसका बाद एक्चुअल प्रवचन शुरू होगा, अभी भी नहीं। क्यों? पहले सुखदेव गोस्वामी भूल गया, वंदना करने में भूल गया, कथा बोलते बोलते अचानक अरे हमने तो वंदना नहीं किया, आप फिर वंदना शुरू किया। इस वंदना का प्रसंग आएगा, दो चार शब्द हम कहेंगे, बड़ा अनोखा बहुत सुनने वाला चीज है। अभी राजा को कह रहे हैं कि देखो कैसे ये जगत तमाम दुनिया है, अभी जो विषय है ये भगवान भगवान का स्थूल रूप का विचार, तमाम ये जगत है, इसमें जो आसमान में बादल है, पहाड़ी पहाड़ पर्वत है, नदी सब, इतना सारे नदी है, समुन्द्र है, वृक्ष है, सो इसमें सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। सुखदेव गोस्वामी पहले एडवाइस उपदेश दे रहे हैं, ये बात को हम स्पष्ट करें में तीसरा स्कंद में, तीसरा स्कंद में हम बताएंगे कि क्यों जो ये जो कोपिल जी का पिताजी नाम क्या है, कर्दम ऋषि, कर्दम से है ना, तो कोपिल जी साक्षात भगवान है, और कोपिल जी रहते हुए वो सन्यास लेके फिर निकल गए, इसका कारण क्या है, इसका हम उत्तर देंगे। भजन कोई मामूली चीज नहीं है, जब मजा करोगे और भजन करोगे, भजन में इतना सीक्रेट चीज है, गुप्त चीज है, धीरे धीरे संत महात्मा का कृपा से हृदय में धारण करो, नहीं तो होगा नहीं, खेलकूद में चले जाएगा पूरा जिंदगी। सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि परीक्षित महाराज को तो हम भागवत कथा सुनाएंगे, ये भी भागवत कथा का अंतर्गत है, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पहले किए, राजन जीत जितासनो जितो सासो जितो संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधरे धिया। सुखदेव बोले राजन आसन प्राणायाम के द्वारा अपना जो चंचलता है इसको दूर कर, ऐसा तो नियम है ये तो, क्यों बोले ये ग्रेजुअल प्रोसीड्योर को वर्णन किया, ऐसा मत सोचो कि हम भी ध्यान लगा देंगे, ऐसा नहीं, क्रम भजन का जो क्रम पर्याय है ग्रेजुअली इसका बारे में वर्णन किया, तो ये आया गीता में भी, गीता में भी जो जैसा स्थिति पे है, जिसका संस्कार जहां तक पहुंचा, वो गीता का जितना एडवाइस है उसमें एक को लेकर बैठ जाए, अरे ये तो कर्मयोग बोला हुआ, कर्मयोग लेकर बैठ, क्योंकि उसका संस्कार कर्मयोग तक पहुंच पाएगा, जिसका जहां तक संस्कार है वो उतना तक ले पाएगा, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा, आधार नहीं है। लेकिन एक बात हम पांच दिन पहले स्पष्ट किया था, इसको ध्यान रखना, शुद्ध गुरु वैष्णव जो है परमहंस गुरु वैष्णव, इनके चरण के सिवा के द्वारा माया जय सतह हो जाता है, हमारे लिए ये सब दरकार नहीं। परीक्षित महाराज को सामने रखते हुए सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे कई स्टेप बता रहे, हमने ये सब बताया था ना, रजस तमश्च सत्येन सप्तंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जयेत, ऐसा बताया था हमें, याद नहीं है, अनायास जय होगा, लेकिन ये गुरु भक्ति कहाँ है, किसका पास है, दिखाओ, ऐसा गुरु भी कहाँ है, ऐसा गुरु भी कहाँ है, ऐसा गुरु भक्ति भी कहाँ है, दोनों ही तो रेयर है। तो ये
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो जीतो सास हो, जीतो सास जीतासन हो, पहले आसन का जय करना चाहिए। इस समाज के आदमी को देखोगे हरि कथा सुनने के लिए 4-5 घंटा तो हम तो ठाकुर जी का कृपा से कहते रहते हैं। वृंदावन में ऐसा शाम को 6 बजे बैठा, रात को 12 बजे खत्म किया। जन्माष्टमी 6 बजे शुरू किया, 6 बजे से 6 से 7, 7 से 8, 9, 9 से 10, 10 से 11, 6 घंटा। लेकिन सुनने वाला तो ऐसा होने चाहिए, सुनने वाला कहां है? एक ही आसन में उसको बोलते हैं आसन जय। आसन जय सबसे बड़ा चीज है। एक आसन में बैठ, कभी ऐसा कर, कभी ऐसा कर, कभी इधर उठ जाए, ऐसा करे, अरे क्या हुआ भाई? क्या एक आसन में बैठो, एक आसन में टकटकी लगा के बैठो, आप बैठ नहीं सकता तो कैसे सुनेगा? हमारा श्रोता तो श्रोता नहीं, श्रोता सोते रहता, श्रोता ऐसा एक तो जगह खून ढूंढेंगे जैसे अपना ऐसा हो गया, अब सो जाओ है, अब आराम से सो जाओ, कोई कुछ नहीं बोले, वक्ता बोलते रहे पागल है, सोता सोते रहे सोरोता हो गया, कितना सुंदर माने हैं, ऐसा ही है। अब इधर जो है देखो, ये जो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया कि राजन आसन जय करना चाहिए, आसन जय बड़ा बात है, आसन जय नहीं कर सकता, चंचलाता है, एक आसन में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बैठे रहो है। और संत महात्मा लोग एक जगह बैठ के नाम करें, और वो लोग शरीर का संचालन के लिए इच्छा करके प्रभुपाद भी ऐसा करके नाम करता था, माधव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, क्योंकि शरीर का सारा संचालन हो जाए, बैठे रहना तो उसका कोई बड़ा बात है, बैठ के नाम करता 5 घंटा 6 घंटा करोड़ों नाम जो गया ये कर सकता, लेकिन शरीर का संचालन होना चाहिए, इसलिए चल के नाम भी करते हैं, इसमें उसका कोई तो जो भी है। हे राजन, ठाकुर जी का जो स्थूल शरीर है, ये ब्रह्म रूपी जो स्थूल शरीर है, पहाड़ पर्वत जो है, ये जितना सारा नदी है, समंदर है, ये सारे जो है, इसका बारे में थोड़ा स्थूल रूप, ठाकुर जी का जो मोटा रूप है, जो जगत का रूप जो है, इसको थोड़ा ध्यान दो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, तुम्हारा मन को इसमें लगाओ, पहले पहले आसन का जय करो, पहले आसन का जय करो, उसके बाद सांस को जय करो, सांस प्राणायाम का द्वारा सांस को जय करो। जीतो संगो, जीतो संगो मतलब प्रकृति का जो 3 गुणों का संग में लगे हुए हो कंटिन्यूअसली, ऐसा एक भी पल भर के लिए आपका संग नहीं छूटता, संग होते रहता है। ये कौन सी संग? प्रकृति का संग, सतो रजो तमो गुण का संग होते रहता है, कभी भी विशुद्ध संग नहीं होता, कभी भी ऐसा समय नहीं है आपका जिंदगी में जिस समय विशुद्ध संग हुआ। जिस दिन विशुद्ध संग हो जाए उस दिन कमाल हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, बस इसका उत्तर कपिल जी महाराज देंगे माता देवाहुति को, माता देवाहुति को ये सब उत्तर देंगे। संगो यो संस्ते रहतो असस्सु विहितो धिया, ऐसा है ना, सएव साधु सुकृतः मोक्षदारम अपापित। हम 2 श्लोक का एक एक लाइन उठाकर बोला, श्लोक तो ठीक है, 2 लाइन 2 श्लोक है अलग अलग हम बताएंगे, इसलिए मिला के सुंदर सुंदर है। जो संग में लगे हुए हैं रजो तमो सतोगुण, ये तुम्हारा जो संग है अभी कभी नहीं छूटने वाला, वो रह जाएगा, वो मुश्किल है। और इसलिए जीतो संगो मतलब त्रिगुण को जय कर लो, जीतो संग मतलब त्रिगुण को जय करो, जीतो संगो जितेंद्रियो, और जीतो संगो हो जाए तो ऑटोमेटिक जितेंद्रियो हो जाओगे। जीतो संगो जो हो जाए, त्रिगुण को जय कर ले, तो उसका साथ साथ तो ये तो लगा हुआ है, फॉलोइंग फैक्टर है ना, जीतो संगो होने का साथ साथ ही आपका क्या होगा, जितेंद्रियो हो जाओगे। जीतो संगो हो गया तो जितेंद्रियो हो जाओगे, जितेंद्रियो मतलब किसी विषय भोगने का कोई इच्छा नहीं, जितेंद्रियो हो गया।
स्थूले भगवतो रूपे मन संधरे धिया, हे राजन तुम्हें स्थूलो जो शरीर है ठाकुर जी का, इसका थोड़ा ध्यान लगाओ, चुपचाप करके आसन जय करो, सांस जय करो, संग जय करो, और संग जय करके जितेंद्रिय हो जाओ, उसके बाद ठाकुर जी का बड़ा रूप है ब्रह्मांड जोर कर जो रूप है उसका ध्यान करो। अब उसका बारे में दो चार शब्द हम बताएंगे, उसके बाद हम जल्दी जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, पातालो में तस्स ही पाद मूलम पठंति प्राश्नेर प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजो अथो गुल्फौ तलातलम वै पुरुष सजंगे दे जानुनी सुतलम विश्वमूर्तेर रुरुद्वयम वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनम महीपते नभस्तलम नाभि सरोगृणन्ति। कितना सुंदर देखो, एक एक भगवान के बोल जी, ये जो है पाताल में तस्स ही पाद मूलम और पठन बचन पठंति प्राश्निर प्रपदे रसातलम, रसातल तलातल महातल पातल, वो भगवान का एक एक शरीर का एक एक हिस्सा है। पाताल में तस्स ही पाद मूलम, ये पादमूल या ठाकुर जी खड़ा हो पादमूल विराट रूप को वर्णन करते हैं, और विश्व रूप जो है विराट पुरुषों का पादमूल जो है ये पाताल, चरण की अग्रभाग जो है और पश्चात भाग रसातल, गुल्फो गुठली, गुठली है ना पैर में, और गुठली जो है गुल्फ महातल, जघन जो है ये तलातल, दो जानू जो है ये सूतल, बाहुदय जो है बीतल और वो तलातल, और जघन देश महितल, नभो सर नभस्थल जो भू भूर भूवर लोक, बक्षस्थल है सरलोक, ग्रीवा महरलोक, बदन जनलोक, ललाट तपलोक, तपस्या एकदम सत्यलोक, मस्तक, पूरा चौदह भुवन का वर्णन, सुंदर वर्णन। पातालो में तस्स ही पादमूलम पठंति प्राश्नेर प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजो अथो गुल्फौ तलातलम वै पुरुष सजंगे दे जानुनी सुतलं विश्व मूर्तेर रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीत्वलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाविसरो गृणन्ति उरुस्थलं योतिरनीकमस्यो ग्राभामहर बदनं वै जनो असो तपोरराटिं विदुरादि पुंसः सत्तस्तु सृष्णानि सहस्र सृष्ण। ऐसा करके पूरा ठाकुर जी का जो स्थूल रूप है तमाम ब्रह्मांड का देखो, ये जो पेड़ पौधा है ठाकुर जी का केश मंड, ये जो आसमान में मेघमंडल है ठाकुर जी का केश है, ये वृक्ष आदि है ठाकुर जी का लोमकूप है, लोमकूप है ना, ये वृक्ष पेड़ पौधा ये ठाकुर जी का लोमकूप है, ये जो मेघ है जैसे कि बाल हवा में उड़ रहा है, ऐसा ऐसा करके वर्णना है। आ सुंदर वर्णन, ये जो है महाराज कोई तत्वज्ञानी जो पुरुष है, ये तत्वज्ञानी पुरुषों का यही एक लक्षण है, वो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों में पंडित है। ऐसा नहीं कि तत्व हम मुकुस्त कर दिया हो गया, जहां भी देखे ना तो कोई लड़की देखे ना तो लड़का देखे, ठाकुर जी का शरीर जहां देखे, पहाड़ वृक्ष समुन्दर नदी जहां देखे ठाकुर जी का स्वरूप महसूस होता है, ठाकुर जी है ये असली रूप है, असली स्वरूप ये है कि जहां भी देखो ठाकुर जी का अनुभव करो। जब तक ये ना हो जाए तो मंदिर में आके ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मूर्ति का अंदर तो है ही है लेकिन विश्वास है, विश्वास है कि विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, 100% विश्वास है क्या? नहीं है विश्वास, किसका है बोलो? ये ठाकुर जी खड़ा हुआ है साक्षात ठाकुर जी, किसी गौड़िया मठ का लड़का, गौड़िया मठ का तो बोला नहीं जाए क्योंकि ये तो ऐसे ही है, वो भिक्षा में गया, कोई एक तगड़ा आदमी मिला, हे भिक्षा कर रहे हो, ठाकुर जी देखा तुम, ठाकुर जी तुम देखा,
बोले भिक्षा करने के लिए आयो, ठाकुर जी दिखा सकोगे? देखा तुम? वो डर के मारे चुप हो गया, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, उसको बोलना चाहिए हाँ देखा, ये तो बोला नहीं, देखा नहीं ठाकुर। आपको अगर कोई ठाकुर देखा नहीं, आप क्या बोलेंगे? नहीं अब तो दर्शन नहीं हुआ, महाराज जी शायद दर्शन किए होंगे, हम तो दर्शन नहीं, हम बोले दर्शन करते हो, यही तो ठाकुर जी, ठाकुर जी यही है साक्षात चिन्मय। विश्वास हो जाए तो आपका साथ बातें करना शुरू कर, विश्वास है तो। रघुनंदन आचार्य जो है गौर लीला में, रघुनंदन आचार्य जो का पिताजी उसको बोला बेटा एक काम करना, आज तू भोग लगा दे, हम हमारा काम है थोड़ा, बच्चा है 5 साल का, हाँ हम लगा देंगे पिताजी कोई बात नहीं, और मैया ने भोग रसोई करके दे और लाके थाली को रख दिया, बच्चा है। और बच्चा अंदर में गया, जाके ठाकुर जी, ठाकुर जी खा लो, ठाकुर जी खा लो, अम्मा ठाकुर जी खा नहीं रहे, ए खाओ क्यों ना, खाओ जल्दी, और ठाकुर जी खा नहीं रहा, खाओ जल्दी नहीं तो पिटाई करेंगे। पिताजी आगे क्या बोले, खाना दिया खाओ, और बच्चा का इतना विश्वास देखिए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गया, खाना शुरू कर दिया, सब खा लिया, और खाली थाला आया, मैया ने बोले थाली का, और ठाकुर जी खा लिया, ठाकुर जी खा लिया, हाँ ठाकुर जी खा लिया। और पिताजी आए बाजार सब काम धंधा करके, बोले क्या रे ठाकुर जी को भोग लगा? हाँ महाराज भोग लगाया, सब खा लिया, खा लिया, हाँ प्रसाद कहाँ है, वो सब खा लिया, सब खा लिया, सबको हाँ खा लिया सब, विश्वास यही हुआ, बोले बाबा पिताजी खा लिया, खा लिया, जा एक लड्डू ले, एक लड्डू ले, जा खिला गया, जा खिला गया, देखे लड्डू को दे दिया, लड्डू जी के अंदर में गया और लड्डू खा लो पिताजी दिया, लड्डू खा नहीं रहा, 4 बार 5 बार बोल रहा लड्डू खाने, अरे देखो दोपहर को खाया, अभी नहीं खाया तो पिताजी झूठा बोलेगा ना हमको, है क्या बोलेगा, खाओ। जब ऐसा फटकार दिया ठाकुर जी, लड्डू खाना शुरू कर दिया, वो आधा लड्डू खाया, पिताजी पर्दा हटाकर अंदर घिसा, बस खत्म, आधा लड्डू छोड़ दिया। गोपाल ने आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू छोड़, अभी भी जाओ तो दर्शन मिलेगा, आधा लड्डू छोड़ दिया, वो आधा लड्डू का अवस्था में दर्शन हो गया, पिताजी को दर्शन नहीं दिया, बच्चा को दिया, क्यों? उसका हर हालत में विश्वास है, 100% बिलीव। विश्वास अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, विश्वास विश्वास होनी चाहिए। हैं बाइबल में, हम बचपन में बाइबल पढ़ा था, बाइबल में एक कहानी है सुंदर, बोले बाइबल का सुनोगे तो अच्छा लगे, इसे प्रसंग है इसलिए बताया, विश्वास होनी चाहिए। बोले एक बच्चा अपाहिज, अपाहिज मतलब उसका शरीर नहीं चल रहा, लंगड़ा है बच्चा, बच्चा वो खिड़की का उसका जो विंडो है ना, ये जो इसका सामने बच्चा को बैठा दिया, और बच्चा बाहर में जितना सारे बच्चा लोग खेलते हैं वो देखते हैं, और बच्चा का बहुत खराब लगता है, हमारा तबीयत ऐसा है कि हम ऐसा करके बैठ जा नहीं सकता, हम लंगड़ा है अपाहिज है, हम जाके बच्चा 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 का बच्चा लोगों के साथ खेल नहीं सकता, अब हमारा हालत देखो, अब खेल नहीं सकता क्या करें। तो एक दफे जीसस क्राइस्ट उदास से जा रहा था, जीसस क्राइस्ट को देख के ऐसा किया कि देखने में महापुरुष दंडवत किया, और जीसस क्राइस्ट बच्चा को आदर किया था, वाह कैसे हो, बच्चा बोला तो हमा बच्चा को बोला तो बच्चा को पूछा तुम दुखी क्यों हो, बोले ऐसा है कि हम अपाहिज हैं तो ये बच्चा लोग खेल रहे हैं तो पूरा हम देख नहीं सकता, क्योंकि हमारा घर का सामने एक टीले है, टीले पत्थर का टीले, वो टीले अगर हट जाए तो हम बच्चा लोग जो मैदान में खेला करते पूरा देख सके। तो जीसस का बोले एक काम करो ना, तुमने ईश्वर को ठाकुर जी को बोलो पत्थर को हटा देंगे, और ठाकुर जी हटा देंगे, बोला हाँ बोलो ना, बोलने से हटा देंगे, जीसस का बोला। अब बच्चा ने क्या किया, बोला ऐसा प्रार्थना किया, आंखें मूंद कर, ठाकुर जी ये पत्थर को हटा दो थोड़ा, हम पूरा खेला जो है बच्चा लोग खेलता है पूरा हमारा नजर में आएगा, आनंद होगा थोड़ा। ऐसा करते हुए चुका के आके एक टू खुला, खुल के बोला कोई कहाँ पत्थर, वो पत्थर का टीला तो हटा नहीं। जीसस का बोला ठीक से बोलो, विश्वास ठीक से बोलो, छाती में हाथ देखे,
तुम जब प्रार्थना किया ऐसे टीले तुम हट जाओ हे ठाकुर जी टीले को हटा दो, जब ऐसा किया प्रार्थना तब तुम्हारे दिल में क्या ऐसा कोई भाव था टीले को हम प्रार्थना करें टीला हटने वाला नहीं, ऐसा विश्वास था, ऐसा कोई अविश्वास था? बोला हाँ ऐसा कुछ था, बल उसी लिए हटा नहीं, तुम्हारा दिल में ऐसा कोई अविश्वास था छोड़ा सा भी, टीला को प्रार्थना कर रहे लेकिन टीला हटने वाला नहीं, ऐसा अविश्वास था थोड़ा? बोला है था, इसीलिए टीला हटा नहीं, देखो हम हटा देते, ए टीले तुम थोड़ा हट जाओ तो बच्चा खेला देखेगा ठाकुर जी को प्रार्थना, टीला झट से हट गया। देखो हमारा कहना सा माना, जीसस क्राइस्ट जो है मिसिंग लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एक किताब मिलता है मैकमिलन कंपनी से निकाला, उसमें जीसस क्राइस्ट छुपके से इंडिया में आ गया था भारत में साधु संघ करने के लिए, कोई ना जाने, बहुत सारे कहानी है। और उसका जो मत हुआ था वो भी वैष्णव छोड़ के किसी का अंदर में ऐसा भाव होता, जब उसको मारा था ऐसा करके, ऐसा बड़ा बड़ा नेल जो है पीरेक, इतना बड़ा बड़ा पीरेक हाथ में गाड़ दिया, इधर गाड़ दिया, इधर गाड़ दिया, इधर, उसके बाद ऐसा मरने का समय बोल रहा है ठाकुर जी ये लोग क्षमा कर दो, वो लोग जानता नहीं क्या किया, वैष्णव छोड़ के तो हो ही नहीं सकता, बाहर में तुम्हारा हिसाब में क्रिश्चियन है लेकिन हमारा हिसाब तो ये लगता है कि वो तो वैष्णव, वैष्णव नहीं होने से ऐसा आएगा नहीं, अंदर में वैष्णव बाहर में तो नहीं, नहीं तो ये ऐसा क्षमा गुण तो वैष्णव छोड़ के किसी का आना संभव नहीं है। जो भी है इस विषय पर लड़ाई हो जाएगा, ज्यादा बोलना नहीं कि वो लोग बोले महाराज ऐसा बोला है, भिक्खो जानो काठी ले किचू ना बोलाए, इसका विचार तो आ गया, इसी का विचार आ गया ना, तो हम क्या गलती किया? ठीक ही बोला, बाहरी दृष्टि में वो क्रिश्चियन लग रहा है, क्रिश्चियन धर्म का प्रवर्तक है लेकिन वो कभी नहीं बोला हम ईश्वर, एक पॉजिटिव पॉइंट है, कभी वो बोला नहीं हम ईश्वर है, हर वक्त बोला हम ईश्वर का पुत्र है, अमृतस्य पुत्र, यही तो हमारा वेद में बोलता है। जीसस का जो बोला क्या गलती बोला, हर वक्त देखो बाइबल पढ़ो उसमें लिखा है हाँ अमृतो का पुत्र है अमृतोमा, तो हमारा वेदों में भी तो है, वेदों में तो यही विचार है, श्रृणंत सर्वे अमृत सपुत्रहा, क्या वेदों में यही तो वाणी है ना, श्रृणंत सर्वे अमृत सपुत्रहा, हे अमृत का पुत्र सब सब सुनो मेरा बात, तो वो भी तो यही बोला हम अमृत का पुत्र है, कभी नहीं बोला हम ईश्वर, क्रिश्चियन लोग तो उल्टा समझते हैं। अब ये विचार प्रस्तुत करेंगे हम, बोले देखो द्वितीय स्कंद में योगी पुरुषों जो है स्थूल रूप का थोड़ा ध्यान हम बताए, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा लो, हृदय में हृदय में भक्ति को लाओ, धीरे धीरे सब समाधान हो जाएगा। अभी जो है सुखदेव गोस्वामी जी ठाकुर जी का स्थूल रूप का थोड़ा बहुत वर्णन किए, अभी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सामने योगियों का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, योगी पुरुषों का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसे क्रममुक्ति, इसको बांग्ला में क्रममुक्ति, ठाकुर जी का कृपा से एक सीनियर वैष्णव मेरे को प्रार्थना किया था, उसको उस किताब का हम संपादना किया था बहुत दिन पहले, भागवत साक्षात्कार, बड़ा अनोखा किताब है भागवत साक्षात्कार, वो ठाकुर जी का ऐसा खेल है जो वो किताब चार बार छप चुका, चार बार कंटिन्यूअसली, एक बार करे तो खत्म हो जाए, एक बार छपे तो खत्म हो जाए, इतना सुंदर किताब था, उसे पूरा पूरा तमाम जो संदर्भ है उसका विचार उठाकर सुंदर एक किताब उसका संबंध किया, एक महाराज जी का आदेश हुआ था पुराना जो भी है। और अभी जो ये क्रममुक्ति के बारे में उस किताब में है, क्रममुक्ति कैसा है, जैसा जैसा भजन करते रहते हैं उसी का मुताबिक क्रममुक्ति होता है। कई क्रममुक्ति का विषय में जानना चाहो तो गोपो कुमार का जो प्रसंग है वो बहुत अच्छा है, क्रममुक्त धीरे धीरे उर्ध, कोई 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 ऐसा है ऋषि मुनि है वो ऐसा भजन करे कि ये भजन करते करते ऊर्ध लोक में विचरण करे, अभी ये लोक में है भजन करते करते उसका ऊपर का लोक को गया, भूलोक में है भूलोक से भूवर लोक में गया, भूलोक से भूभुव स्वर्लोक स्वर्गलोक में गया, भूभुव स्व महोलोक में गया, तपोलोक में गया, करते करते धीरे धीरे गोप कुमार का प्रसंग बड़ा सुंदर है,
एक एक लोक में एक एक लोकों में पहुंचा और कई दिन उधर भजन किया और बोले अच्छा नहीं लग रहा, फिर ऊपर लोक को जाएंगे। ऐसा करते करते क्रम मुक्ति है, जोगी जो जोगी पुरुषों का क्रम मुक्ति है। जोगी पुरुष अगर चाहे तो क्रम मुक्ति कर सकता, भजन का साथ उसका जो वायु है इसको संचालित करके ऊर्ध्व लोक में चले गए, उधर कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद फिर भजन करते गए, फिर ऊपर का लोक को गए। जोगी लोगों का ये ऐसा हिम्मत है, वासना रहा भजन करते करते इस ऊपर का लोक के में गया, फिर उसके बाद ऊपर लोक। आज जिसका क्रम मुक्ति इच्छा नहीं है उसको बोलते हैं शब्द मुक्ति। दो शब्दों है, एक तो है क्रम मुक्ति और दूसरा है शब्द मुक्ति। एक तो है क्रम मुक्ति, दूसरा है शब्द मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब ग्रेजुअली मुक्ति होना, अर्थात एक से धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर 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 जाके। गोप कुमार का जो प्रसंग है सबसे अनोखा सनातन गोस्वामी जी ने दिखा। और शब्द मुक्ति का क्या है, मतलब शब्द मुक्ति ऐसा भजन किया शरीर छूटने का साथ साथ उसका सिद्धि हो गया, मैंने किसी लोक में नहीं गया पूरा ठाकुर जी का। चाहे ब्रह्मो का भजन किया तो ब्रह्मो का साथ मिलन हो जाएगा, हैं परमात्मा का साथ मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो इसको बोलते हैं शब्द मुक्ति। तो मुक्ति का दो किस्म का बात ध्यान में रखना। आप अगर क्रम मुक्ति चाहते हो कि ये जगत का भोग देखकर और थोड़ा भोग कर ले कई दिन, ठीक है चलो स्वर्ग लोग में आप जाओगे वहां थोड़ा भोग कर लो, भोग अगर मरमिट जब तक मरमिट ना जाए भोग का वासना, तब तक चलते रहोगे फिर ऊपर। और कौन कौन लोग में कौन कौन आदमी रहता है, कौन कौन लोग में जो वानप्रस्थी है वो कौन लोग में जाता है, उपकुर्वन ब्रह्मचारी कुछ लोग में जाता है, अखंड ब्रह्मचर्य पालकर वो कौन लोग में जाता है, ऋषि मुनि जिसका पूरा तगड़ा अनुभव वो कौन लोग, सब एक एक लोग में एक एक रहता है, सब लोगों का वर्णन है। तो ये ऊर्ध्व लोग में जाने के लिए अगर आपका प्रचेष्टा रहे तो उसमें आप धीरे धीरे क्रम मुक्ति होगा। क्रम मुक्ति एक उदाहरण दे, बोले महाराज शास्त्र में लिखा है काशी मरणात मुक्ति, लिखा है ना काशी मरणात मुक्ति लिखा हुआ है शास्त्र में। आप बोलेंगे महाराज हम काशी में मरे तो हम मुक्ति हो जाएगा, लेकिन शास्त्रों का प्रमाण है मुक्ति तो है, लेकिन क्रम मुक्ति में जाओगे, प्योर अटेंशन प्लीज, उसमें क्रम मुक्ति। हमने सुकर क्षेत्र सुक्ताल नहीं सुकर क्षेत्र, जहां सुकर भगवान सब धरती को उद्धार करने युद्ध करने के बाद जहां मिट गया, वो जो कुंड हुआ ना बड़ा कुंड है उसका नाम सुकर सोरो, उसको बोले सुकर क्षेत्र सोरो, जहां चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लौटते समय सोरो में गया गंगा स्नान करने के लिए, माघी गंगा स्नान है ना। अभी अब चले तो उधर जाके महाप्रभु को कह रहे हैं, कौन जो संग में गया था ना, बोले प्रभु जी अभी अगर चलो तो चलते तो सोरो पहुंच जाएंगे, सोरो क्षेत्र वह गंगा स्नान हो जाएगा। तो वो सोरो क्षेत्र जो है वो सोरो है, सोरो क्षेत्र में एक सोरो क्षेत्र स्टेशन पे एक सुंदर करके संस्कृत में बहुत सारी चीज है लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसमें हम देखा बहुत सुंदर लगा। हम उस स्टेशन में खड़ा होके आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट खड़ा था, हम उसको देख के मुखस्त कर लिया, बोलो बड़ा काम का श्लोक है, देखने से हमको अच्छा लगा, वाह इसको मुखस्त कर लो काम में आएगा, शास्त्रों का विचार है। बोले गयायाम तू स्थले मुक्ति, गया में मरो स्थल में मरो तो मुक्ति होगा, गयायाम तू स्थले मुक्ति है। बरानश्याम जले स्थले, वाराणसी में जल में मरो स्थल में मरो दोनों जगह मुक्ति हो जाएगा। आज जले स्थले च अंतरिक्षे त्रिधा मुक्तिं च सुकरे, जले स्थले अंतरिक्ष में कहीं भी जगह आप मर जाओ तो तीनों मौत का जो तीन तरीका हम बताया तीनों के दाद आपको
सिद्ध, आपको मुक्ति हो जाएगा। गयायान च स्थले मुक्ति, वाराणस्याम जले स्थले, जले स्थले च अंतरिक्षे, त्रिधा मुक्ति च सुकरे। सुकरे मतलब सुकर क्षेत्र, ऐसा महिमा है। लेकिन वो जो है वाराणसी में मुक्ति है, ये भी क्रम मुक्ति है, क्रम मुक्ति। वाराणसी में मरते समय शंकर भगवान आके तारक ब्रह्म मंत्र जो कर, जो भी मरे शंकर भगवान का ड्यूटी है, ड्यूटी है। कोई भी मरे कान के सामने आकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जो हाँ शंकर जी का ड्यूटी, शंकर जी ड्यूटी, ड्यूटी है शंकर जी। कोई भी मर जाए उसके कानों के सामने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे, ऐसा नियम है। तो इसमें क्या हो, बल्कि भजन तो नहीं किया है लेकिन हरिमा महामंत्र तो सुना है, जो भी है संग, तो उसका क्रम मुक्ति में क्या होगा, क्रम मुक्ति में ऊर्ध्व लोक में जाए, उसका बाद ऊर्ध्व गति होगा। क्रम मुक्ति हो, मुक्ति तो जरूर होगी, ये भूल नहीं। वाराणसी में मरने का बाद मुक्ति जरूर होगा, लेकिन क्रम मुक्ति, वो सद्य मुक्ति नहीं। ये नहीं कि वाराणसी मरा ठाकुर जी ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, ये सब गुप्त सिद्धांत है। अब ऐसा करते करते यहां जोगी पुरुषों का जो सद्य मुक्ति है, क्रम मुक्ति है, इस विषय में सुंदर चर्चा किया। कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। करने का बोलते, करने का बाद बड़ा सुंदर चीज बोला, ये संत महात्मे, संत महात्मा का जो महल है, ये संत महात्मा का जिंदगी ये हार बन के रह गया। ये श्लोक को हम बड़ा चर्चा करते हैं इस विषय में, अभी समय कम है। बोले वैराग्य ऐसा हो जाए, ठाकुर जी को प्रेम ऐसा हो जाए कि कोई भी चीज पर कुछ लगन ना रह जाए, ऐसा वैराग्य हो जाए। इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बोले सुंदर सुनने वाला श्लोक है, इतना सुंदर वैराग्य है। सत्यम खितो किम कसिपु प्रयासे बाहो ससिद्धे उपबर्हन किम, सत्यम खितो किम कसिपु प्रयासै, सत्यम खितो किम कसिपु प्रयासै। क्यों सोने का जो व्यवस्था है क्यों कर रहे हो, धरती है ना, धरती तो है, बिस्तर है, इसमें सो जाओ। त्यागी व्यक्ति क्या करते, सुखदेव गोस्वामी स्वर्ग गोस्वामी क्या किया, यही तो है। सत्यम खितो किम कसिपु प्रयासै बाहो ससिद्धे उपबर्हनै किम, सत्यांजलो किम पुरुधाम न पात्रा दिग्बल कलादो सती किम दुकूले चिरना निकिंग पथि न संति दिसंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभितो सरितो योपिय शुष्यन रुद्ध्या गुहा किमजितो अवती उपसन्यान कस्माद भजन्ति कवयो धरंदु धनदूर बधांदो, कस्माद भजन्ति कवयो धनदूर मदांदो। कितना सुंदर श्लोक है, भले सत्यम कृतो किं कसिपु प्रयासै, सोने का व्यवस्था करोगे क्या करोगे, इतना व्यवस्था में लगे हुए वो, ऐसा तो है धरती, सो जाओ। ए 84 कोस लगाते समय काम सोते हैं, अभी तो पलंग खड़ा कर दिया महाराज, इसी में सो जाओ, क्या करे, धरती पर सो जाओ। सत्यम कृतो किम कसिपु प्रयास, कसिपु में तो सज्जा का व्यवस्था क्या करोगे हैं। आ बाहु सिद्धे, बाहु मतलब ये बाहु है, इसको तकिया बना लो, ऐसा सो जाओ। ये तो है ना, अब बालिश चाहिए हमको, है बालिश लाओ मार्केट से, महाराज जी सोएगा क्या करे, बालिश लेके ऐसा करके सो जाओ। बस बाहु ससिद्धे उपबरहण किम, क्या करे उपबरहण, बालिश देखे। आ सत्तांजलो किम पुरुधाम न पात्रा, हमारा ये फलाना हमको पात्रो लाओ, पद पथा लाओ और थाली लाओ, सोने का थाली रूपे, क्या करे, हाथ तो है ही है, हाथ तो है ही है, करपात्री बन जाओ, करपात्री, ये करपात्री बन जाओ, ऐसा करके भोजन कर लो, कुछ भोजन कर लिए दे रहा दो खा लो बस हो जाए, ऐसा ही तो है ना, करपात्री बन जाओ। पात्रों अगर चाहिए तो पहले करपात्री बन जाओ,
जब भी खाओ ऐसा हाथ में दे दो, हो गया खाना, हो गया। पानी पियो तो ग्लास का क्या जोर है, ऐसा पकड़ जाओ झरना का ओर जाओ, जाके ऐसा कर पाम कर लो, हो गया। तो ऐसा बोला सत्तान जलोकिंग पुरुधम निपत्रा आ दिल दिग्बल कलादि सतिकिम दुकोलोई। वो कपड़ा का प्रयास क्यों कर रहे हो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, क्या क्या किया? भले शमशान में जो आदमी को जलाने के लिए आते थे वो कपड़ा जो फेंक दिया करता, वो कपड़ा को उठा के गंगा पानी में धो के उसी कपड़ा को, किसी को बोलते नहीं कपड़ा लाओ हमारा कपड़ा फट गया। गौर किशोर बाबा जी महाराज किसी को आज तक बोला नहीं, मुर्दा को जलाने के लिए आए वो कपड़ा को फेंक दिया, वो पानी में गंगा पानी में धो लिया धो के फट लिया। कपड़ा किसको बोले हमको कपड़ा लाओ, कपड़ा फट गया, बोले कि क्या दरकार है। ऐसा वैराग्य है, देखो दिग्बल कलादि सतकिन दिकुलोई। और पेड़ का अंदर में बलकल आता है ना, बलकल पहले का ऋषि लोग पढ़ता था पहनता था, वो बलकल है पेड़ों का अंदर में एक बकला आता है, बकला छाल छिलके जैसा, उसको लेके पहन लेते हैं। सत्यांजलो किंग पुरुधम निपथुरा दिग दिग बल कलादो सती किंग दुकुलोई। कपड़ा देखे क्या करोगे, दिग बल कलादी यहां वर्णन के दिग बल कलद में दस दिग तो है, दस दिग है, बाकी टूटा हुआ कपड़ा पर चीरना उसका उत्तर दिया। मैं दिग बल कलादी माने ये दस दिग है, ये तो तुम्हारा कपड़ा ही है। और क्या क्या सुखदेव गोस्वामी तो नंगा रहा ना, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना अपना आचरण करके कह रहे, दिग्बल कलादि दिग्बल कलादो दिग्बल कलादो सत्य किम दुकुले चिरनान किंग पथि न संति दिशंत भिक्षाम। टूटा हुआ कोई कापड़ फापड़ रास्ता में नहीं है, उसको धोखे पहन लो। चिरनान किंग पथि न संति दिशंत भिक्षाम। और भले नैवांग घृपा परभितो सरितो पिशुष्यत। और पैर पौधा जो है ये कि फल फूल नहीं दे रहा है, तुम भिक्षा करने के लिए जा रहे हो। नैवांग घृपा परभितो सरितो ओपिशुष्यन, नदी नाला का जो तालाब का पानी क्या सूख गया, तालाब का पानी सूख गया, तुम पानी पानी कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, पानी पी लो, पानी है झरना का पानी है सब पी लो। और और पेड़ पौधा जो है फल दे रहा है, फल फूल ले लो खा लो बस हो गया। और रुद्धा गुहा किम अजितो अवती उपसन्यान, क्या गुफा, क्या गुफा का जो जो स्पेस है वो क्या बंद हो गया, गुफा को उघर लो उसमें रह जाओ, गुफा में रह जाओ, कितना ऋषि मुनि रह जाता है। कस्माद भजन्ति कवयो धनुर्म दंधान, किस लिए ये संत महात्मा विषयु, किस लिए संत महात्मा, किस लिए संत महात्मा धोनी व्यक्ति के पास जाके पैर में गिराएगा, हमको थोड़ा धन दे दो हम ये करें, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? फटकार दिया भागवत, क्यों क्या दरकार है तुम्हारा, क्यों गया उसका पास? इसलिए बोला कस्माद भजन्ति कवयो धनुर्म दंधान, धन मद धन के द्वारा धनी होकर इतना मदांध हो गया तो इसको छोटा बड़ा ज्ञान भी नहीं है, ये संत महात्मा साधु है अपमान करता है, उसका पास जाके क्यों बोलता है हमको ये दो वो दो, क्या दरकार है, ठाकुर जी का जो व्यवस्था हुई मान लो। ऐसा करके भजन का जो तरीका है वो जोग ये जोगी गण क्रम मुक्ति और किस कैसे भजन करे विषय से छुटकारा मिले, जोगी जोगी सब तो ऐसे ही करता है ना, तो इतना तो जोगी का बात क्रम मुक्ति का विषय है। तो बोले ऐसा करते करते जब आपका अंदर में जब निवृत्ति अवस्था आ जाए, तब हृदय में जब शुद्ध अवस्था आ जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, केचित हृदया भजन केचित सदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग संखो गदाधरम धारणया स्मरन्ति। क्या बोला, केचित स देहांतर हृदया अवकाशे
प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंखो गदाधरम धारणया स्मरन्ति प्रसन्न वक्त्रम नलिनायतेक्षणम कदंब किंजल कपिशांग वाससम लसत महारत्नो हिरण्मयांगदम स्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम। ठाकुर जी का वर्णन है, बोले ऐसा भजन करते करते जोग करते करते हृदय में देखोगे प्रादेश मात्रम, ये जो प्रादेश मात्र है ऐसा प्रादेश इसको बोलता है, ये जो बेग ये जो ऐसा मांगे ठाकुर जी को दर्शन करोगे प्रादेश मात्रम केचित स देहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, आपको नजर में आएगा ठाकुर जी हृदय में स्वयं है। चतुर्भुज सुंदर, क्या क्या रूप वर्णना किया, प्रसन्न वक्तम नलिनायो तक्षणम पद्म परास लोचन प्रसन्न वक्तम है, और पीतवास है सुंदर, कितना सारे जो जीव ठाकुर जी का वर्णन है। प्रसन्न वक्तम नरेनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, और कैसे मुकुट है और अपना बाजूबंद है, कितना सुंदर है ठाकुर जी का वर्णन है। कौस्तुभ मुनि है, हम तो थोड़े से वर्णन किया, सुनने से पागल हो जाओगे, सब छोड़ के बैठो तो पागल हो जाओगे, अब इच्छा नहीं लगेगा संसार, सुना कहाँ है भगवत कथा हमारा क्या, हम तो ये विचार प्रस्तुत करते सुना ही नहीं कोई, सब छोड़ के बैठो अब देखोगे पागल हो जाओगे, एक एक भागवत का विषय को प्रस्तुत हो जाए ठाकुर जी का कृपा से पागल हो जाओ, रोना शुरू कर दोगे, हमको कुछ नहीं ठाकुर जी चाहिए, हमको बस तुम्हारा चरण चाहिए, बस यही हमारा। तो परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी ऐसा कैसे कहते, जोगी पुरुषों का क्रम मुक्ति का विषय, वैराग्य का विषय, और योग साधन हो जाए सिद्धि, उसके बाद ठाकुर जी का कैसे दर्शन हुए हृदय में, ऐसा सब वर्णन करना शुरू कर दिया। बड़ा भारी वर्णन किए, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज वर्णन है। और उसका बाद जो है कि अभीष्ट लाभ का उपाय, यहां एक श्लोक का वर्णन कर ले पहले, और काल सुबह में सुबह कालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, तुम्हारा जो अभीष्ट है कामना वासना कैसे पूर्ति करोगे। एक एक कामना वासना के लिए एक एक देवताएं हैं, एक एक देवता का आराधना करोगे तो आपको एक एक चीज मिलते रहेगा, लेकिन आप सोच लो क्या करोगे, आप क्या करोगे सोच लो, वो सब देवता का अलग अलग करके भजन करोगे कि ठाकुर जी का ही भजन करोगे, क्या करोगे। लेकिन हम तो बताएंगे, सारे बताएंगे, ये देवता का भजन करो तो ये मिले, ये देवता का भजन करो तो ये मिले, सारे हम बता देंगे, हमारा क्या कसूर लिखा है बोल दो, और अंतिम में विचार बताएंगे, क्या विचार, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगेन जजे तो पुरुषम परम, इसका विचार अंतिम में बताए, पहले बोलेंगे गणपति देवता का पूजा करो माल आएगा, सूर्य देवता का पूजा करो ये आएगा, शंकर का पूजा करो, गिरीश का पूजा करो ये आएगा, सब हम बताएंगे, अंतिम में बोलेंगे क्या करोगे आप, अपने आप सोच लो क्या करोगी। इसलिए ये श्लोक पहले, ये सब काल हम चर्चा करेंगे, आज समय नहीं है। और तस्मात सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम, ये सिद्धांत तो है। इतना सारे बात बताने का बाद अंतिम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजन सोच लो, हम इतना सारे बता दिया, अंतिम में सिद्धांत तो बोल दिया क्या, तस्मात सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तिदव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, सारे दुनिया के लिए ये सिद्धांत है, तस्मात इतना सारे बात बता दिया, लेकिन सिद्धांतों के बारे में सुनना, तस्मात राजन इसलिए बोल रहा है कि सर्वात्मना सारे दिल लगाकर
सर्वात्मना मतलब सारे दिल को लगा कर, सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा। जैसा चैतन्य महाप्रभु बताए, क्या बताए कि भजने कि शयने किम्बा जगरने अहर निश्चिंत कृष्ण बलह वदने, जहां भी जाओ कुछ भी करो कुछ भी किसी अवस्था में रहो हर वक्त हरि कथा हरि कीर्तन करो। यही तो लिखा है ना, यही तो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को स्पष्ट किया। तस्मात सर्वात्मन राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो, हरि कथा सुननी चाहिए, हरि कीर्तन करना करना चाहिए, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान निनाम, सारे तमाम दुनिया का यही यही उचित है, लेकिन कर नहीं रहा है। उसके बाद इस श्लोक हम चर्चा करेंगे काल, उत्तर हम अभी उच्चारण करके छोड़ देंगे। ध्यान से सुन देना, बड़ा पवित्र श्लोक है। पिबन्ति जे भगवतो आत्मनो सताम कथामृतम सवन पुटेश संवृतम पुनन्ति ते विषया विषयो विदुषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणो सरोरुहांतिकम्। क्या बोला, पिबन्ति जे भगवतो आत्मनः सताम कथामृतम सवन पुटे सुसंवृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणो सरोरुहांतिकम्। वांछा कल्पतरुवश्य के बासिंद पतितानं पावन भवश्यभ्यो नमो।